मिशन इम्पॉसिबल निशन मूवी के फैक्टर रिव्यूज मिशन इम्पॉसिबल रोगनेशन दो की अमेरिकी एक्शन चासूसी फिल्म है जो मेक और डी की कहानी पर क्रिस्टोफोर मैक द्वारा लिखित और तो निर्देशित है यह मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल की अगली कड़ी और मिशन इम्पॉसिबल फिल्म श्रृंखला की पांचवी किस्त है इसमें टॉम क्रूज <coughs> जेरेमी रेनर साइमन पेग विम रिम्स रिविका फॉर्ग सीन हैरिस और एलिक एलिकवाल से मुख्य भूमिका में है। यह है हैं। यह इम्पॉसिबल मिशन फोर्स एथन हेड क्रूस और उनकी टीम का अनुसरण करता है जिसमें उन्हें विक्टर सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा हंट का पीछा करने के बाद दुनिया भर के दुष्ट सरकारी एजेंटों के एक <laughs> अंतरराष्ट्रीय ऑप्स आतंकवादी समूह द सिंडिकेट के गुप्त रूप से लड़ना होगा चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक के क्रिस्टोफोर मैक्वेरी इस फिल्म की पटकथा की है क्रिस्टोफोर मैक्वेरी ने यह फिल्म की कहानी क्रिस्टोफोर मैक्वेरी ड्रू पियर्स पर आधारित है इस फिल्म के उत्पादक टॉम क्रूज जीजे इब्राहिम ब्राइन बर्क डेविड एलिशंस डाना गोल्डबर्ग्स ड्रोन ग्रीसस पर उत्पादित है इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है <coughs> टॉम क्रूस ने जेरेमी रेनर ने साइमन बैग ने विंग रिम्स ने रेबिका फर्क्यूशन ने सोम हैरिस ने इलेक वॉलविन ने इस फिल्म का छायाकान किया है रॉबर्ट एलवे ने यह फिल्म संपादित है एडी हिमटन द्वारा इस फिल्म को संगीत दिया है जी क्रोमेर द्वारा इस फिल्म के उत्पादन कंपनियाँ हैं इसकाइडोज प्रोडक्शंस टीसी प्रोडक्शंस, खराब रोबोट प्रोडक्शंस। यह फिल्म श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा वितरित है इस फिल्म की रिलीज की तारीख तेईस जुलाई 2015 रही है और इकतीस जुलाई सही अमेरिका में रही है इस फिल्म का कार्यकारी समय एक मिनट रहा है यह है सही तरह से अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है इस फिल्म का बजट 150 मिलियन है और बॉक्स ऑफिस पर छह मिलियन रहा है मैक्वेरी जिन्होंने मिशन इम्पॉसिबल घोष प्रोटोकॉल के लिए बिना श्रेय के अनुलेखन किया है जो अगस्त दो तो हजार तेरह में मिशन इम्पॉसिबल दुष्ट राष्ट्र के निदेशक के रूप में घोषित किया गया था क्रूस रिनर रेम्स की वापसी की पुष्टि जुलाई सन दो तो हजार चौदह तक की गई थी जबकि पटकथा भी थी पियर सोरविल स्टेपल द्वारा विकसित अंत इसका श्रेय पूरी तरह से मैकवेरी को दिया गया है फोर्ग्यूशन हैरिस और वोल्डविन ने अक्टूबर में कलाकारों को चुना मुख्य फोटोग्राफी अगस्त 2014 से मार्च 2015 तक विशाला के सामलांका लंदन और हार्टफोर्ड शहर के लिविडन स्टूडियो सहित स्थानों पर थी फिल्म का आधिकारिक शीर्ष मार्च दो के सामने आया था मूल रूप से 25 दिसंबर 2015 को दुनिया भर में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था इसका प्रीमियर तेईस जुलाई 2015 को पंद्रह स्टेट ओपेरो इसमें नामांकन स्थानों में से एक में हुआ था <coughs> और एक हफ्ते बाद पिक्चर्स द्वारा अमेरिका में नाटक रूप से रिलीज किया गया था इसमें एक्शन दृश्यों प्रदर्शन विशेष रूप से क्रूस और में पटकथा लेखन और निर्देशन के लिए प्रशंसा के साथ इसे सकारात्मक समीक्षा मिली इसमें दुनिया भर में छ मिलियंस की कमाई की जो 2015 की आठवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और उस समय फ्रेंचाइजी की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई जब सीक्वल मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट जुलाई दो में रिलीज किया गया था चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में आई एम एफ एजेंट एंड हिट सिंडिकेट ले जाए जा रहे थे तंत्रिका गैस की एक सिपेंट को रोकता है जो विभिन एजेंसियों के दुष्ट क्षेत्र के गुर्गों का एक गुप्त संघ है जिसे वह ट्रैक कर रहा है बाद में लंदन के आईएमएफ की के स्टेशन पर एथन का विभिन्न सिंडिकेट से ही आया जिससे संकेत मिलता है कि इसने उसके ओर आईएमएफ के साथ समझौता किया है गैस से बेहोश होने के दौरान उसे चश्मा पहनने एक सुनहरे आदमी को स्टेशन संचालक को अंजाम देते हुए देखने के लिए मजबूर किया जाता है डीसी में सीआईए के निदेशक एलन ने रूस में हाल ही में विनाशकारी घटनाओं के कारण आईएमएफ को सीआईए में शामिल करने की <coughs> उसे हटाने के लिए सीनियर समिति को आ, मनाया है सिंडिकेट के अस्तित्व के बारे में उनके संदेह के कारण पूर्व आईएमएफ एजेंट बेंजी डन और

उसके टिकटॉक की व्यवस्था करता है बेंजी की पहुंचने पर ऐतन ने उनसे एक सुनहरे आदमी का पता लगाने में मदद करने के लिए कहा <coughs> जिसने लंदन के आईएमएफ स्टेशन संचालक की हत्या की गई थी उसका नाम उस महिला से होता है जो बाद में उष्टीन के चांसलर की हत्या करने के लिए एक अंडरकवर एम आई सिक्स एजेंट एल्जाफोस्ट को कई अन्य सिंडिकेट एजेंटो के रूप में सामने आई एथन हमले को रोकता है और फोस्ट के साथ भाग जाता है केवल चांसलर को एक कार बम द्वारा मारे जाने का गवाह बनता है सिंडिकेट एजेंट द्वारा पीछे किए जाने पर एथन को बेंजी की एक कार की रक्षा के लिए फास्ट छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है चांसलर की हत्या के निकट होने के कारण ने विशेष गतिविधि विभाग को एथन और बेंजी को देखते ही पकड़ने यदि आवश्यकों तो निष्पाषित करने का आदेश दिया है इसी के तहत वह जब भी दिखाई देगा तो उसको पूर्ण रूप से बंदी बना लिया जाएगा ब्रांड के पूर्व आई एम एफ सिंडिकेट को सी आई ए से पहले और बेनजी के, के सामला में फास्ट को ढूंढते जहां वह एथन के संदिग्ध की पहचान दुष्ट एजेंट लैन के, के रूप में करती है जो अब सिंडिकेट का नेता है फिर तीनों लेन में चुनाए गए एक डिजिटल बही खाते को पुनः प्राप्त करने के लिए एक बिजली संयंत्र के नीचे एक पानी के नीचे की तिजोरी में घुसमेट करते हैं जिससे कथित तौर पर सभी सिंडिकेट संचालकों के नाम शामिल है हालांकि फास्ट डेटा लेकर लंदन भाग जाता है और अपने हैंडलर एम आई ए सिक्स इटली से मिलता है जो चुपचाप डेटा हटा देता है और उसे अपना गुप्त काम जारी रखने के लिए मजबूर करता है बाद में बेनजीओ रेतन स्टिकेल और ब्रांड द्वारा पाए जाते हैं यह पता चलता है कि बेंजी ने फास्ट को देने से पहले वही खाते में डेटा की प्रतिलिपि बनाई थी स्टिकेल को पता चलता है कि डेटा एक एनक्रिप्टेड ब्रिटिश सरकार का वर्चुअल रेड बॉक्सेस है जिसे अनुकोन करने के लिए यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री की बायोमेट्रिक्स की आवश्यकता होती है वे सभी लंदन की यात्रा करते हैं लेकिन किंग क्रॉस रेलवे स्टेशंस पर फास्ट के साथ टीम की बैठक के दौरान लेन के लोगों को बेंजी का अपहरण कर लिया है और एथन को डेटा को डिक्रिप्ट करने में उसे वितरित करने के लिए ब्लैकमेल करने के लिए उसका इस्तेमाल किया है ब्रांड के विरोध के बावजूद एथन मिशन स्वीकार करता है ब्रांड गुप्त रूप से हमले को अपना स्थान बताता है एक्सफॉर्ड में हुली ब्रांड को इटली प्रधानमंत्री की मिलती है जो पुष्टि करते हैं कि सिंडिकेट को कोफिया इजेंटो की भर्ती करने और निरीक्षण के बिना मिशन करने के लिए इटली द्वारा प्रस्तावित एक गुप्त परियोजना थी जिसे मंत्री ने अस्वीकार किया है इटली एक में खुद को एथन के रूप में प्रकट करता और वह और ब्रांड मंत्री के बायोमेट्रिक्स को सुरक्षित करते हैं जिसमें स्टेकेल को फाइनलोर ड्रिकिप्ट करने की अनुमति मिलती है जब इस असली इटली आती है तो एथन और ब्रांड उसे यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करते हैं कि ले द्वारा अपना नुस्खे करने से पहले उसके प्रधानमंत्री की जानकारी के बिना गुप्त रूप से सिंडिकेट शुरू किया था जिसने एक इटली की फास्ट को फंसाने की कोशिश की है फाइनल में कई खातों में 2.4 मिलियन तक पहुंचे होने पर पता चलता है एथन ने यह निष्कर्ष निकालने के बाद डेटा को नष्ट कर दिया होलैंड से सिंडिकेट को पैसे से वित्त पोषित करने की योजना बनाई है लैन द्वारा आयोजित बैठक स्थल पर पहुंचने पर एथन और वेन्जे मिलता है जो एक बम से बंधा हुआ है और फर्स्ट के साथ लैन के प्रॉक्सी के रूप में काम करने के लिए हेडसेट और कॉन्टैक्ट लेंस कैमरा पहने हुए हैं एथन लैन को बताता है कि उसने डेटा याद कर लिया और बेंजी की सुरक्षा के लिए खुद को पेश करता है लैन द्वारा बम को दूर से निष्क्रिय करने के बाद बेंजी भाग जाता है जबकि एथन और फर्स्ट का टावर ऑफ लंदन के माध्यम से विंटर के लोगों द्वारा पीछा किया जाता है फास्ट विंटर को मार देता है जबकि लैन को का पीछा करता है और एक बुलेट प्रूफ ग्लास सेल में फुसलाया जाता और बेहोश कर दिया जाता है आईएमएफ की सफलता के प्रत्यक्ष के रूप में दावा मिशन इम्पॉसिबल रोक मूवी के फैक्टर रिव्यूज मिशन इम्पॉसिबल रोक 2015 दो की अमेरिकी एक्शन जासूसी फिल्म है जो मेक और डी पी एस की कहानी पर क्रिस्टोफोर मैक द्वारा लिखित तो और निर्देशित है यह मिशन इम्पॉसिबल घोष प्रोटोकॉल की अगली कड़ी और मिशन इम्पॉसिबल फिल्म श्रृंखला की पांचवी <coughs> किस्त है इसमें टॉम क्रूज जेरेमी रेनर साइमन पेग विम रिम्स रेबिका फॉर्गूशन सीन हैरिस और एलिक वॉल से मुख्य भूमिका में हैं यह इम्पॉसिबल मिशन फोर्स एजेंट एथन हेन क्रूज और उनकी टीम का अनुसरण करता है जिसमें उन्हें विक्टर सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा हंट का पीछा करने के बाद दुनिया भर के दुष्ट सरकारी एजेंटों के एक <coughs> अंतरराष्ट्रीय ब्लैक ऑप्स आतंकवादी समूह द सिंडिकेट के गुप्त रूप से लड़ना होगा चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक के क्रिस्टोफोर मैक्वेरी इस फिल्म की पटकथा की है क्रिस्टोफोर मैक्वेरी ने एक फिल्म की कहानी क्रिस्टोफर मेक्वेडी ड्रू पियर्स पर आधारित है इस फिल्म की उत्पादक टॉम क्रूज इज इब्राहिम ब्राइन बर्क डेविड एलिशंस डाना गोल्डबर्ग्स, ड्रोन ग्रीसेस पर उत्पादित है इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है <laughs> टॉम क्रूज ने जेरेमी रेनर ने साइमन पैग ने विंग रिम्स ने रेबिका फर्क्यूसन ने सॉम हैरिस ने इलेक वॉलविन ने इस फिल्म का छायाकान क्या है रॉबर्ट एलवी सिटनी ये फिल्म संपादित है एडी हिमटन द्वारा इस फिल्म को संगीत दिया है जी क्रोमिर द्वारा इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं स्काईडोज प्रोडक्शंस टी प्रोडक्शंस, खराब रोबोट प्रोडक्शंस यह फिल्म श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा वितरित है इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख तेईस जुलाई दो हजार पंद्रह रही है और इकतीस जुलाई संयुक्त राज्य अमेरिका में रही है इस फिल्म का कार्यकारी समय एक मिनट रहा है यह सही तरह से अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है इस फिल्म का बजट १५० मिलियन है और बॉक्स ऑफिस पर छह है। मैक्वेरी जिन्होंने मिशन इम्पॉसिबल घोष प्रोटोकॉल के लिए बिना श्रेय के अनुलेखन किया है जो अगस्त 2013 तो में मिशन इम्पॉसिबल दुष्ट राष्ट्र के निदेशक के रूप में घोषित किया गया था क्रूस रीनर पैग और रेम्स की वापसी की पुष्टि जुलाई सन 2014 तक की गई थी जबकि पटकथा भी थी पेयर सोर विल स्टेपल्स द्वारा विकसित अंततः इसका श्रेय पूरी तरह से मैकमेरी को दिया गया है फॉर्ग्यूशन हैरिस और वोल्डविन ने अक्टूबर में कलाकारों को चुना मुख्य फोटोग्राफी अगस्त 2014 से मार्च 2015 तक विशाला सामलांका लंदन और हार्ट फोर्ड शहर की लुई सीडन स्टूडियो सहित स्थानों पर थी फिल्म का आधिकारिक शीर्ष मास 2015 के सामने आया था मूल रूप से 25 दिसंबर 2015 को दुनिया भर में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था इसका प्रीमर तेईस जुलाई 2015 को वीएन स्टेट ओपेरो नामांकन स्थानों में से एक में हुआ था और एक हफ्ते बाद पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा अमेरिका में के रूप से रिलीज किया गया था इसमें एक्शन दृश्यों प्रदर्शन विशेष रूप से क्रूस और में पटकथा लेखन और निर्देशन के लिए प्रशंसा के साथ इसे सकारात्मक समीक्षा मिली इसमें दुनिया भर में छ सौ तिरासी मिलियंस की कमाई की जो 2015 की आठवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और उस समय फ्रेंचाइजी की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई जब सीक्वल मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट सोला 2018 में रिलीज किया गया था चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में आईएमएफ एजेंट एंड हेट सिंडिकेट ले जाए जा रहे थे। तंत्रिका गैस के एक सिपेट को रोकता है जो विविंगकूफ एजेंसी के दुष्ट क्षेत्र के गुर्गों का एक गुप्त संघ है जिसे वह ट्रैक कर रहा है बाद में लंदन के आईएमएफ के स्टेशन पर एथन का वियोनस सिंडिकेट से ही आया जिससे संकेत मिलता है कि इसने उसके और आईएमएफ के साथ संज्ञाता किया है। गैस से बेहोश होने के दौरान उसे चश्मा पहने एक सुनहरे आदमी को स्टेशन संचालक को अंजाम देते हुए देखने के लिए मजबूर किया जाता है। डीसी में सीआईए के निदेशक एलन हुल्ल ने रूस में हाल ही में विनाशकारी घटनाओं के कारण आईएमएफ को एफ को करने में शामिल उसे हटाने के लिए सीनियर समिति को आ, मनाया है सिंडिकेट के अस्तित्व के बारे में उनके को संदेह के कारण पूर्व आईएमएफ एजेंट बेंजी डन और विलियम ब्रॉड के सीआईए के लिए कड़ी जांच सुरक्षा के तहत काम करना शुरू कर दिया है एथनपुर के जीबी एजेंट जॉनिक बॉन डॉक्टर विजेंट के नेतृत्व के एक यातना कक्ष में जगता है एक में महिला की मदद से वे भाग निकलता है महीने बाद हंड जो एक वांछित भगोड़ा है गुप्त रूप से बेंजी को सिंडिकेट के बारे में जानकारी देता है और विस्ना स्टेट ऑपरेशन द्वारा निर्देशित टू तो डॉन के लिए उसके टिकटॉक की व्यवस्था करता है बेंजी की विहसना पहुंचने पर ऐतन ने उनसे एक सुनहरे आदमी का पता लगाने में मदद करने के लिए कहा जिसने लंदन के आईएमएफ स्टेशन संचालक की हत्या की गई थी ओपेरो में उसका नाम उस महिला से होता है जो बाद में ऑस्ट्रेलिया की चांसलर की हत्या करने के लिए एक अंडरकवर एम एजेंट एल्सा फोर्स को कई सिंडिकेट एजेंटों के रूप में सामने आई एथन हमले को रोकता है और फोस्ट के साथ भाग जाता है केवल चांसलर को एक कार बम द्वारा मारे जाने का गवाह बनता है सिंडिकेट एजेंट द्वारा पीछे किए जाने पर एथन को बेंजी की एक कार की रक्षा के लिए फास्ट छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है चांसलर की हत्या के निकट होने के कारण होने ने विशेष गतिविधि विभाग को एथन और बेंजी को देखते ही पकड़ने यदि हो तो निष्पाषित करने का आदेश दिया है इसी के तहत वह जब भी दिखाई देगा तो उसको पूर्ण रूप से बंदी बना लिया जाएगा ब्रांड के पूर्व आईएमएफ एम एफ एस सिंडिकेट को सी से पहले एथन और से दोनों को पता लगाने की मदद के लिए मना दिया फिर बीच एथन और बेनजी के सामलाक में फास्ट को ढूंढते हैं जहां वह एथन के संदिग्ध की पहचान दुष्ट एम एजेंट सलोमोलैंड के रूप में करती है जो अब सिंडिकेट का नेता है फिर तीनों लेन में चुनाए गए एक डिजिटल बही खाते को पुनः प्राप्त करने के लिए एक बिजली संयंत्र के नीचे एक पानी के नीचे की तिजोरी में घुसमेट करते हैं जिससे कथित तौर पर सभी सिंडिकेट संचालकों के नाम शामिल है हालांकि फास्ट डेटा लेकर लंदन भाग जाता है और अपने हैंडलर एम आई ए सिक्स इटली से मिलता है जो चुपचाप डेटा हटा देता है और उसे अपना गुप्त काम जारी रखने के लिए मजबूर करता है बाद में बेनजीओ रेतन स्टिकेल और ब्रांड द्वारा पाए जाते हैं यह पता चलता है कि बेंजी ने फास्ट को देने से पहले वही खाते में डेटा की प्रतिलिपि बनाई थी स्टिकेल को पता चलता है कि डेटा एक एनक्रिप्टेड ब्रिटिश सरकार का वर्चुअल बॉक्सेस है जिसे अनकोन करने के लिए यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री की बायोमेट्रिक्स की आवश्यकता होती है वे सभी लंदन की यात्रा करते हैं लेकिन किंग क्रॉस रेलवे स्टेशंस

की भर्ती करने और निरीक्षण के बिना मिशन करने के लिए इटली द्वारा प्रस्तावित एक गुप्त परियोजना थी जिसे मंत्री ने अस्वीकार किया है इटली एक मुखोटे में खुद को एथन के रूप में प्रकट करता और वह और ब्रांड मंत्री के बायोमेट्रिक तो को सुरक्षित करते हैं जिसमें स्टेकेल को फाइनलोर ड्रिकिप्ट करने की अनुमति मिलती है जब इस असली इटली आती है तो एथन और ब्रांड उसे यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करते हैं कि लेम द्वारा अपना नुस्खे करने से पहले उसके प्रधानमंत्री की जानकारी के बिना गुप्त रूप से सिंडिकेट शुरू किया था जिसने एक इकली की फास्ट को फंसाने की कोशिश की है फाइनल में कई हाथों में 2.4 मिलियन तक पहुंचे होने पर पता चलता है एथन ने यह निष्कर्ष निकालने के बाद डेटा को नष्ट कर दिया होलैंड से सिंडिकेट को पैसे से वित्त पोषित करने की योजना बनाई है लैंड द्वारा आयोजित बैठक स्थल पर पहुंचने पर एथन और वेंजे मिलता है जो एक बम से बंधा हुआ है और फर्स्ट के साथ लैन के प्रॉक्सी के रूप में काम करने के लिए हेडसेट और कॉन्टैक्ट लेंस कैमरा पहने हुए हैं एथन लैन को बताता है कि उसने डेटा याद कर लिया और बेंजी की सुरक्षा के लिए खुद को पेश करता है लैन द्वारा बम को दूर से निष्क्रिय करने के बाद बेंजी भाग जाता है जबकि एथन और फर्स्ट का टावर ऑफ लंदन के माध्यम से विंटर के लोगों द्वारा पीछा किया जाता है फास्ट विंटर को मार देता है जबकि लैन को का पीछा करता है और एक बुलेट प्रूफ ग्लास सेल में फुसलाया जाता और बेहोश कर दिया जाता है आईएमएफ की सफलता के प्रत्यक्ष के रूप में दावा मिशन इम्पॉसिबल रोक मूवी के फैक्टर रिव्यूज मिशन इम्पॉसिबल रोक 2015 की अमेरिकी एक्शन जासूसी फिल्म है जो मेक और डी की कहानी पर क्रिस्टोफोर मैक्री द्वारा लिखित तो और निर्देशित है यह मिशन इम्पॉसिबल घोष प्रोटोकॉल की अगली कड़ी और मिशन इम्पॉसिबल श्रृंखला की पांचवी <coughs> किस्त है इसमें टॉम क्रूज, जेरेमी रेनर साइमन पेग विम रिम्स रेबिका फॉर्ग सीन हैरिस और एलिक वॉल से मुख्य भूमिका में हैं यह इम्पॉसिबल मिशन फोर्स एजेंट एथन हैंड क्रूज और उनकी टीम का अनुसरण करता है जिसमें उन्हें विक्टर सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा हंट का पीछा करने के बाद दुनिया भर के 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 दुष्ट सरकारी एजेंटों के एक <coughs> अंतरराष्ट्रीय ब्लैक ऑप्स आतंकवादी समूह द सिंडिकेट के गुप्त रूप से लड़ना होगा चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक निर्देशक्रिस्टोफोर मैक्वेरी इस फिल्म की पटकथा की है क्रिस्टोफोर मैक्वेरी ने एक फिल्म की कहानी क्रिस्टोफर मेक्वीडी ड्रू पियर्स पर आधारित है इस फिल्म के उत्पादक टॉम क्रूज इज इब्राहिम एलिशन डाना गोल्डबर्ग्स ड्रोन ग्रीसेस पर उत्पादित है इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है <coughs> टॉम क्रूज ने जेरेमी रेनर ने साइमन पैग ने विंग रेम्स ने रेबिका फर्ग्यूशन ने सोम हैरिस ने इलेक वॉलविन ने इस फिल्म का छायाकान क्या है रॉबर्ट एलवी सिटनी ये फिल्म संपादित है एडी हिमटन द्वारा इस फिल्म को संगीत दिया है जी क्रोमिर द्वारा इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं स्काईडोज प्रोडक्शंस टी प्रोडक्शंस खराब रोबोट प्रोडक्शंस यह फिल्म श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा वितरित है इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख तेईस जुलाई दो रही है और इकतीस जुलाई संयुक्त तरह से अमेरिका में रही है इस फिल्म का कार्यकारी समय एक सौ इकतीस मिनट रहा है यह सही तरह से अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है इस फिल्म का बजट एक सौ पचास मिलियन है और बॉक्स ऑफिस पर छह सौ अठासी पॉइंट नौ मिलियन रहा है <coughs> मैक जिन्होंने मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल के लिए बिना श्रेय के अनुलेखन किया है जो अगस्त दो तो हजार तेरह में मिशन इम्पॉसिबल दुष्ट राष्ट्र के निर्देशक के रूप में घोषित किया गया था क्रूस रिनर पैगो रेम्स की वापसी की पुष्टि जुलाई सन 2014 तक की गई थी जबकि पटकथा भी थी पेयर सोरविल स्टेपल्स द्वारा विकसित अंततः इसका श्रेय पूरी तरह से मैकवेरी को दिया गया है फोर्ग्यूशन हैरिस और वोल्डविन ने अक्टूबर में कलाकारों को चुना मुख्य फोटोग्राफी अगस्त 2014 से मार्च तो 2015 तक विशाला लंदन और हार्ट फोर्ड के लुइस लुविडन स्टूडियो सहित स्थानों पर थी फिल्म का आधिकारिक शीर्ष 2015 के सामने आया था मूल रूप से 25 दिसंबर 2015 को दुनिया भर में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था इसका प्रीमर तेईस जुलाई 2015 को पंद्रह को ओपेरो इसमें नामांकन स्थानों में से एक में हुआ था और एक हफ्ते बाद पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा अमेरिका में नाटक के रूप से रिलीज किया गया था इसमें एक्शन दृश्य विशेष रूप से क्रूस और में पटकथा लेखन और निर्देशन के लिए प्रशंसा के साथ इसे सकारात्मक समीक्षा मिली इसमें दुनिया भर में छ सौ तिरासी मिलियंस की कमाई की जो 2015 की आठवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और उस समय फ्रांचाइजी की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई जब सीक्वल मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट सोल 2018 में रिलीज किया गया था चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में आईएमएफ एजेंट एंथन हेट सिंडिकेट ले जाए जा रहे थे। तंत्रिका गैस के एक सिपेट को रोकता है जो वीविंगकूफ एजेंसी के दुष्ट क्षेत्र के गुर्गों का एक गुप्त संघ है जिसे वह ट्रैक कर रहा है बाद में लंदन के आईएमएफ के स्टेशन पर एथन का वेनस इंडिकेट से ही आया जिससे संकेत मिलता है कि इसने उसके और आईएमएफ के साथ समझौता किया है गैस से बेहोश होने के दौरान उसे चश्मा पहनने एक सुनहरे आदमी को स्टेशन संचालक को अंजाम देते हुए देखने के लिए मजबूर किया जाता है डीसी ने सीआईए के निदेशक एलन हुल ने रूस में हाल ही में विनाशकारी घटनाओं के कारण आईएमएफ को सीआईए में शामिल उसे हटाने के लिए सीनियर समिति को आ, मनाया है सिंडिकेट के अस्तित्व के बारे में उनके को संदेह के कारण पूर्व आईएमएफ एजेंट बेंजी डन और विलियम ब्रॉड के सीआईए के लिए कड़ी जांच सुरक्षा के तहत काम करना शुरू कर दिया है एटनपुर के जीबी एजेंट जॉनिक बॉन डॉक्टर विजेंट के नेतृत्व के एक यातना कक्ष में जगता है एक रहस्य में महिला की मदद से वह बाहर निकलता है छः महीने बाद हंड जो एक वांछित भगोड़ा है गुप्त रूप से बेंजी को सिंडिकेट के बारे में जानकारी देता है और विस्ना स्टेट ऑपेरो द्वारा निर्देशित टू तो डोंट के लिए उसके टिकटॉक की व्यवस्था करता है बेंजी की विहसना पहुंचने पर ऐतन ने उनसे एक सुनहरे आदमी का पता लगाने में मदद करने के लिए कहा <coughs> जिसने लंदन के आईएमएफ स्टेशन संचालक की हत्या की गई थी ओपेरो में उसका नाम उस महिला से होता है जो बाद में ऑस्ट्रेलिया के चांसलर की हत्या करने के लिए एक अंडरकवर एम आई एजेंट एल्साफोस को कई अन्य सिंडिकेट एजेंटों के रूप में सामने आई एथन हमले को रोकता है और फोस्ट के साथ भाग जाता है केवल चांसलर को एक कार बम द्वारा मारे जाने का गवाह बनता है सिंडिकेट एजेंट द्वारा पीछे किए जाने पर एथन को बेंजी की एक कार की रक्षा के लिए फास्ट छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है चांसलर की हत्या के निकट होने के कारण होने ने विशेष गतिविधि विभाग को एथन और बेंजी को देखते ही पकड़ने यदि आवश्यक हो तो निष्पाषित करने का आदेश दिया है इसी के तहत वह जब भी दिखाई देगा तो उसको पूर्ण रूप से बंदी बना लिया जाएगा ब्रांड के पूर्व आई एम एफ सिंडिकेट को सी आई ए से पहले और से दोनों को पता की मदद के, के सामला में फास्ट को ढूंढते जहां वह एथन के संदिग्ध की पहचान दुष्ट एम आई सिक्स एसन के रूप में करती है जो अब सिंडिकेट का नेता है फिर तीनों लेन में चुनाए गए एक डिजिटल वही खाते को पुनः प्राप्त करने के लिए एक बिजली संयंत्र के नीचे एक पानी के नीचे की तिजोरी में घुसमेट करते हैं जिससे कथित तौर पर सभी सिंडिकेट संचालकों के नाम शामिल हैं। हालांकि फास्ट डेटा लेकर लंदन भाग जाता है और अपने हैंडलर एम आई ए सिक्स प्रमुख इटली से मिलता है जो चुपचाप डेटा हटा देता है और उसे अपना गुप्त काम जारी रखने के लिए मजबूर करता है बाद में बेनजीओ रेतन स्टिकेल और ब्रांड द्वारा पाए जाते हैं यह पता चलता है कि बेंजी ने फास्ट को देने से पहले वही खाते भी डेटा की प्रतिलिपि बनाई थी स्टिकेल को पता चलता है कि डेटा एक एनक्रिप्टेड ब्रिटिश सरकार का वर्चुअल रेड बॉक्सेस है जिसे अनुकोन करने के लिए यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री की बायोमेट्रिक्स की आवश्यकता होती है वे सभी लंदन की यात्रा करते हैं लेकिन किंग क्रॉस रेलवे स्टेशन पर फास्ट के साथ टीम की बैठक के दौरान लेन के लोगों को बेंजी का अपहरण कर लिया है और एथन को डेटा को डिक्रिप्ट करने में उसे विचलित करने के लिए ब्लैकमेल करने के लिए उसका इस्तेमाल किया है ब्रांड के विरोध के बावजूद एथन मिशन स्वीकार करता है ब्रांड गुप्त रूप से हुल्ले को अपना स्थान बताता है एक्सफॉर्ड में हुली ब्रांड को इटली प्रधानमंत्री की मिलती है जो पुष्टि करते हैं कि सिंडिकेट को कोफिया इजेंटो की भर्ती करने और निरीक्षण के बिना मिशन करने के लिए इटली द्वारा प्रस्तावित एक गुप्त परियोजना थी जिसे मंत्री ने अस्वीकार किया है इटली एक मुखोटे में खुद को एथन के रूप में प्रकट करता और वह और ब्रांड मंत्री के बायोमेट्रिक को सुरक्षित करते हैं जिसमें स्टेकेल को फाइनलोर ड्रिकिप्ट करने की अनुमति मिलती है जब इस असली इटली आती है तो एथन और ब्रांड उसे यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करती हैं कि लेन द्वारा अपना नुस्खे करने से पहले उसके प्रधानमंत्री की जानकारी के बिना गुप्त रूप से सिंडिकेट शुरू किया था जिसने इटली की फास्ट को फंसाने की कोशिश की है फाइनल में कई खातों में 2.4 मिलियन तक पहुंचे होने पर पता चलता है एथन ने यह निष्कर्ष निकालने के बाद डेटा को नष्ट कर दिया होलैंड से सिंडिकेट को पैसे से वित्त पोषित करने की योजना बनाई है लैन द्वारा आयोजित बैठक स्थल पर पहुंचने पर एथन और वेंजन मिलता है जो एक बम से बंधा हुआ है और फर्स्ट के साथ लैन के प्रॉक्सी के रूप में काम करने के लिए हेडसेट और कॉन्टैक्ट लेंस कैमरा पहने हुए हैं एथन लैन को बताता है कि उसने डेटा याद कर लिया और बेंजी की सुरक्षा के लिए खुद को पेश करता है लैन द्वारा बम को दूर से निष्क्रिय करने के बाद बेंजी भाग जाता है जबकि एथन और फर्स्ट का टावर ऑफ लंदन के माध्यम से विंटर के लोगों द्वारा पीछा किया जाता है फास्ट विंटर को मार देता है जबकि लैन को एथन का पीछा करता है और एक बुलेट प्रूफ ग्लास सेल में फुसलाया जाता और बेहोश कर दिया जाता है आईएमएफ की सफलता के प्रत्यक्ष के रूप में दवा मिशन इम्पॉसिबल रोक निश्चन मूवी के फैक्टर रिव्यूज मिशन इम्पॉसिबल रोक निशन दो की अमेरिकी एक्शन जासूसी फिल्म है जो मेक और डी की कहानी पर क्रिस्टोफोर मैक द्वारा लिखित तो और निर्देशित है यह मिशन इम्पॉसिबल घोष प्रोटोकॉल की अगली कड़ी और मिशन इम्पॉसिबल फिल्म श्रृंखला की पांचवी <coughs> किस्त है। इसमें टॉम क्रूज, जेरेमी रेनर साइमन पेग विम रिम्स रेबिका फोर्गन्स सीन हैरिस और एलिकवाल से मुख्य भूमिका में हैं यह इम्पॉसिबल मिशन फोर्स एजेंट एथन हेड क्रूज और उनकी टीम का अनुसरण करता है जिसमें उन्हें विक्टर सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा हंट का पीछा करने के बाद दुनिया भर के दुष्ट सरकारी एजेंटों के एक <coughs> अंतरराष्ट्रीय ब्लैक ऑप्स आतंकवादी समूह द सिंडिकेट के गुप्त रूप से लड़ना होगा चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक निर्देशक्रिस्टोफोर मैक्वेरी इस फिल्म की पटकथा की है क्रिस्टोफोर मैक्वेरी ने एक फिल्म कहानी क्रिस्टोफर मेक्वेडी ड्रू पियर्स पर आधारित है इस फिल्म के उत्पादक टॉम क्रूज इज इब्राहिम बर्क डेविड एलिशंस डाना गोल्डबर्ग्स, ड्रोन ग्रीसेस पर उत्पादित है इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है <laughs> टॉम क्रूज ने जेरेमी रेनर ने साइमन बेग ने विंग रिम्स ने रेबिका फर्क्यूशन ने सॉम हैरिस ने इलेक वॉलविन ने इस फिल्म का छायाकान क्या है रॉबर्ट एलवी सिटनी ये फिल्म संपादित है एडी हिमटन द्वारा इस फिल्म को संगीत दिया है जी क्रोमिर द्वारा इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं स्काईडोज प्रोडक्शंस टीशी प्रोडक्शंस, खराब रोबोट प्रोडक्शंस यह फिल्म श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा वितरित है इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख तेईस जुलाई 2015 रही है और 31 जुलाई संयुक्त नजर अमेरिका में रही है इस फिल्म का कार्यकारी समय एक सौ इकतीस मिनट रहा है यह सही तरह से अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है इस फिल्म का बजट एक सौ पचास मिलियन है और बॉक्स ऑफिस पर छह सौ अठासी पॉइंट नौ मिलियन रहा है मैक जिन्होंने मिशन इम्पॉसिबल घोष प्रोटोकॉल के लिए बिना श्रेय के अनुलेखन किया है जो अगस्त दो तो में मिशन इम्पॉसिबल दुष्ट राष्ट्र के निर्देशक के रूप में घोषित किया गया था क्रूस रीनर रेम्स की वापसी की पुष्टि जुलाई सन 2014 तक की गई थी जबकि पटकथा भी थी पियर विल स्टेपल्स द्वारा विकसित अंततः इसका श्रेय पूरी तरह से मैकवेरी को दिया गया है फोर्ग्यूशन हैरिस और वोल्डविन ने अक्टूबर में कलाकारों को चुना मुख्य फोटोग्राफी अगस्त 2014 से मार्च 2015 तक विशाला कि साम लांका लंदन और हार्ट शहर की लुविडन स्टूडियो सहित स्थानों पर थी फिल्म का आधिकारिक शीर्ष मास 2015 के सामने आया था मूल रूप से 25 दिसंबर 2015 को दुनिया भर में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था इसका प्रीमर तेईस जुलाई 2015 को रियन स्टेट ओपेरो नामांकन स्थानों में से एक में हुआ था <coughs> और एक हफ्ते बाद पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा अमेरिका में नाटे के रूप से रिलीज किया गया था इसमें एक्शन दृश्यों प्रदर्शन विशेष रूप से क्रूस और में पटकथा निर्देशन के लिए प्रशंसा के साथ इसे सकारात्मक समीक्षा मिली इसमें दुनिया भर में छह सौ तिरासी मिलियंस की कमाई की जो 2015 की आठवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और उस समय फ्रांचाइजी की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई जब सीक्वल मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट सोला 2018 में रिलीज किया गया था चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में आईएमएफ एजेंट एंथन हेट सिंडिकेट ले जाए जा रहे थे। तंत्रिका गैस के एक <coughs> सिपेट को रोकता है जो वीविंगकूफ एजेंशियो के दुष्ट क्षेत्र के गुर्गों का एक गुप्त संघ है जिसे वह ट्रैक कर रहा है बाद में लंदन के आईएमएफ की स्टेशन पर एथन का वेवनस इंडिकेट से ही आया जिससे संकेत मिलता है कि इसने उसके और आईएमएफ के साथ समझौता किया है गैस से बेहोश होने के दौरान उसे चश्मा पहनने एक सुनहरे आदमी को स्टेशन संचालक को अंजाम देते हुए देखने के लिए मजबूर किया जाता है डीसी में सीआईए के निदेशक एलन हुल ने ने रूस में हाल ही में विनाशकारी घटनाओं के कारण आईएमएफ को एफ को सीआईए में शामिल उसे हटाने के लिए सीनियर समिति को आ, मनाया है सिंडिकेट के अस्तित्व के बारे में उनके को संदेह के कारण पूर्व आईएमएफ एजेंट बेंजी डन और

उसके टिकटॉक की व्यवस्था करता है बेंजी की पहुंचने पर ऐतन ने उनसे एक सुनहरे आदमी का पता लगाने में मदद करने के लिए कहा <coughs> जिसने लंदन के आईएमएफ स्टेशन संचालक की हत्या की गई थी उसका नाम उस महिला से होता है जो बाद में के चांसलर की हत्या करने के लिए एक अंडरकवर एम आई सिक्स एल्जाफोस्ट को कंडिकेट एजेंटो यूरोप में सामने आई एथन हमले को रोकता है और फोस्ट के साथ भाग जाता है केवल चांसलर को एक कार बम द्वारा मारे जाने का गवाह बनता है सिंडिकेट एजेंट द्वारा पीछे किए जाने पर एथन को बेंजी की एक कार की रक्षा के लिए फास्ट छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है चांसलर की हत्या के निकट होने के कारण होने ने विशेष गतिविधि विभाग को एथन और बेंजी को देखते ही पकड़ने यदि आवश्यक हो तो निष्पाषित करने का आदेश दिया है इसी के तहत वह जब भी दिखाई देगा तो उसको पूर्ण रूप से बंदी बना लिया जाएगा ब्रांड के पूर्व आई एम एफ सिंडिकेट को सी आई ए से पहले और बेनजी के, <coughs> के सामला में फास्ट को ढूंढते जहां वह एथन के संदिग्ध की पहचान दुष्ट एम आई सिक्स के रूप में करती है जो अब सिंडिकेट का नेता है फिर तीनों लेन में चुनाए गए एक डिजिटल बही खाते को पुनः प्राप्त करने के लिए एक बिजली संयंत्र के नीचे एक पानी के नीचे की तिजोरी में घुसमेट करते हैं जिससे कथित तौर पर सभी सिंडिकेट संचालकों के नाम शामिल है हालांकि फास्ट डेटा लेकर लंदन भाग जाता है और अपने हैंडलर एम आई ए सिक्स प्रमो के इटली से मिलता है जो चुपचाप डेटा हटा देता है और उसे अपना गुप्त काम जारी रखने के लिए मजबूर करता है बाद में बेनजीओ रेतन स्टिकेल और ब्रांड द्वारा पाए जाते हैं यह पता चलता है कि बेंजी ने फास्ट को देने से पहले वही खाते में डेटा की प्रतिलिपि बनाई थी स्टिकेल को पता चलता है कि डेटा एक एनक्रिप्टेड ब्रिटिश सरकार का वर्चुअल रेडबॉक्सेस है जिसे अनुकोन करने के लिए यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री की बायोमेट्रिक्स की आवश्यकता होती है वे सभी लंदन की यात्रा करते हैं लेकिन किंग क्रॉस रेलवे स्टेशंस पर फास्ट के साथ टीम की बैठक के दौरान टेन के लोगों को बेंजी का अपहरण कर लिया है और एथन को को डेटा डिक्रिप्ट करने करने में उसे करने के लिए ब्लैकमेल करने के लिए उसका इस्तेमाल किया है ब्रांड के विरोध की महसूस एथन मिशन स्वीकार करता है ब्रांड गुप्त रूप से हुले को अपना स्थान बताता है एक्सफोर्ड में हुले ब्रांड को इटली प्रधानमंत्री की मिलती है जो पुष्टि करते हैं कि सिंडिकेट फूड खुफिया एजेंटों की भर्ती करने और निरीक्षण के बिना मिशन करने के लिए इटली द्वारा प्रस्तावित एक गुप्त परियोजना थी जिसे मंत्री ने अस्वीकार किया है इटली एक में खुद को एथन के रूप में प्रकट करता और वह और ब्रांड मंत्री के बायोमेट्रिक्स को सुरक्षित करते हैं जिसमें स्टेकेल को फाइनल और करने की अनुमति मिलती है जब इस असली इटली आती है तो एथन और ब्रांड उसे यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करती हैं कि ले द्वारा अपना उसके करने से पहले उसके प्रधानमंत्री की जानकारी के बिना गुप्त रूप से सिंडिकेट शुरू किया था जिसने एक इटली की फास्ट को फंसाने की कोशिश की है फाइनल में कई खातों में 2.4 मिलियन तक पहुंचे होने पर पता चलता है एथन ने यह निष्कर्ष निकालने के बाद डेटा को नष्ट कर दिया होलैंड से सिंडिकेट को पैसे से वित्त पोषित करने की योजना बनाई है लैन द्वारा आयोजित बैठक स्थल पर पहुंचने पर एथन और वेजन मिलता है जो एक बम से बंधा हुआ है और फर्स्ट के साथ लैन के प्रॉक्सी के रूप में काम करने के लिए हेडसेट और कॉन्टैक्ट लेंस कैमरा पहने हुए हैं एथन लैन को बताता है कि उसने डेटा याद कर लिया और बेंजी की सुरक्षा के लिए खुद को पेश करता है लैन द्वारा बम को दूर से निष्क्रिय करने के बाद बेंजी भाग जाता है जबकि एथन और फर्स्ट का टावर ऑफ लंदन के माध्यम से विंटर के लोगों द्वारा पीछा किया जाता है फास्ट विंटर को मार देता है जबकि लैन को एथन का पीछा करता है और एक बुलेट प्रूफ ग्लास सेल में फुसलाया जाता और बेहोश कर दिया जाता है आईएमएफ की सफलता के प्रत्यक्ष के रूप में दावा मिशन इम्पॉसिबल रोक निश्चन मूवी के फैक्टर रिव्यूज मिशन इम्पॉसिबल रोक निशन दो की अमेरिकी एक्शन जासूसी फिल्म है जो मेक और डी पी एस की कहानी पर क्रिस्टोफोर मैक द्वारा लिखित तो और निर्देशित है यह मिशन इम्पॉसिबल घोष प्रोटोकॉल की अगली कड़ी और मिशन इम्पॉसिबल फिल्म श्रृंखला की पांचवी <coughs> किस्त है इसमें टॉम क्रूज, जेरेमी रेनर साइमन पेग विम रिम्स रेबिका फॉर्गन सीन हैरिस और एलिकवाल से मुख्य भूमिका में हैं यह इम्पॉसिबल मिशन फोर्स एजेंट एथन हंड क्रूज और उनकी टीम का अनुसरण करता है जिसमें उन्हें विक्टर सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा हंट का पीछा करने के बाद दुनिया भर के दुष्ट सरकारी एजेंटों के एक <laughs> ब्लैक ऑप्स आतंकवादी समूह सिंडिकेट के गुप्त रूप से लड़ना होगा चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक्रिस्टोफोर मैक्वेरी इस फिल्म की पटकथा की है क्रिस्टोफोर मैक्वेरी ने एक फिल्म की कहानी क्रिस्टोफर मेकवेडी ड्रू पियर्स पर आधारित है इस फिल्म के उत्पादक टॉम क्रूज इज इब्राहिम ब्राइन बर्क डेविड एलिशंस डाना गोल्डबर्ग्स, ड्रोन ग्रीसेस पर उत्पादित है इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है <coughs> टॉम क्रूज ने जेरेमी रेनर ने साइमन बैग ने विंग रिम्स ने रेविका फर्क्यूशन ने सोम हैरिस ने इलेक वॉलविन ने इस फिल्म का छायाकान क्या है रॉबर्ट एलवी सिटनी ये फिल्म संपादित है एडी हिमटन द्वारा इस फिल्म को संगीत दिया है जी क्रोमेर द्वारा इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं स्काईडोज प्रोडक्शंस टी प्रोडक्शंस, खराब रोबोट प्रोडक्शंस यह फिल्म श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा वितरित है इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख तेईस जुलाई 2015 रही है और 31 जुलाई संयुक्त नजर अमेरिका में रही है इस फिल्म का कार्यकारी समय एक मिनट रहा है यह है सही तरह से अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है इस फिल्म का बजट 150 मिलियन है और बॉक्स ऑफिस पर पचास मिलियन रहा है और जिन्होंने मिशन इम्पॉसिबल घोष प्रोटोकॉल के लिए बिना श्रेय के अनुलेखन किया है जो अगस्त 2013 तो में मिशन इम्पॉसिबल दुष्ट राष्ट्र के निर्देशक के रूप में घोषित किया गया था क्रूस रिनर रेम्स की वापसी की पुष्टि जुलाई सन 2014 तक की गई थी जबकि पटकथा भी थी पियर सोरविल स्टेपल्स द्वारा विकसित अंत इसका श्रेय पूरी तरह से मैकवेरी को दिया गया है फोर्गूशन हैरिस और वोल्डविन ने अक्टूबर में कलाकारों को चुना मुख्य फोटोग्राफी अगस्त 2014 से मार्च तो 2015 तक विशाला की लंदन और हार्ट फोर्टशायर की लुविडन स्टूडियो सहित स्थानों पर थी फिल्म का आधिकारिक शीर्ष मास हजार के सामने आया था मूल रूप से 25 दिसंबर 2015 को दुनिया भर में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था इसका प्रीमर तेईस जुलाई 2015 को रियन एस्टेट ओपेरो नामांकन स्थानों में से एक में हुआ था और एक हफ्ते बाद पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा अमेरिका में नाटक के रूप से रिलीज किया गया था इसमें एक्शन दृश्यों प्रदर्शन विशेष रूप से क्रूस और क्रूसन में पटकथा लेखन और निर्देशन के लिए प्रशंसा के साथ इसे सकारात्मक समीक्षा मिली इसमें दुनिया भर में छ सौ तिरासी मिलियंस की कमाई की जो 2015 की आठवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और उस समय फ्रांचाइजी की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई जब सीक्वल मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट सोलह दो में रिलीज किया गया था चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में आईएमएफ एम एफ एजेंट सिंडिकेट ले जाए जा रहे थे तंत्रिका गैस के एक सिपेट को रोकता है जो विभिन्न खुफिया के दुष्ट क्षेत्र के गुर्गो का एक गुप्त संघ है जिसे वह ट्रैक कर रहा है बाद में लंदन के आईएमएफ की स्टेशन पर एथन का वेनस इंडिकेट से ही आया जिससे संकेत मिलता है कि इसने उसके और आईएमएफ के साथ समझौता किया है गैस से बेहोश होने के दौरान उसे चश्मा पहनने एक सुनहरे आदमी को स्टेशन संचालक को अंजाम देते हुए देखने के लिए मजबूर किया जाता है डीसी में सीआईए के निदेशक एलन हुल ने रूस में हाल ही में विनाशकारी घटनाओं के कारण आईएमएफ आई को में शामिल करने की उसे हटाने के लिए सीनियर समिति को आ, मनाया है सिंडिकेट के अस्तित्व के बारे में उनके को संदेह के कारण पूर्व आईएमएफ एजेंट बेंजी डन और विलियम ब्रॉड के सीआईए के लिए कड़ी जांच सुरक्षा के तहत काम करना शुरू कर दिया है एथनपुर के जीबी एजेंट जॉनिक बॉन डॉक्टर विजेंट के नेतृत्व के एक यातना कक्ष में जगता है एक रहस्य में महिला की मदद से वह बाहर निकलता है छः महीने बाद हंड जो एक वांछित भगोड़ा है गुप्त रूप से बेंजी को सिंडिकेट के बारे में जानकारी देता है और विस्ना स्टेट ऑपेरो द्वारा निर्देशित टू तो डोंट के लिए उसके टिकटॉक की व्यवस्था करता है बेंजी की विहसना पहुंचने पर ऐतन ने उनसे एक सुनहरे आदमी का पता लगाने में मदद करने के लिए कहा जिसने लंदन के आईएमएफ स्टेशन संचालक की हत्या की गई थी ओपेरो में उसका नाम उस महिला से होता है जो बाद में ऑस्ट्रेलिया के चांसलर की हत्या करने के लिए एक अंडरकवर एमआई6 एजेंट एल्सा फोस कुकर येने सिंडिकेट इज के रूप में सामने आई एथन हमले को रोकता है और फोस्ट के साथ भाग जाता है केवल चांसलर को एक कार बम द्वारा मारे जाने का गवाह बनता है सिंडिकेट एजेंट द्वारा पीछे किए जाने पर एथन को बेंजी की एक कार की रक्षा के लिए फास्ट छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है चांसलर की हत्या के निकट होने के कारण होने ने विशेष गतिविधि विभाग को एथन और बेंजी को देखते ही पकड़ने यदि आवश्यक हो तो निष्पाषित करने का आदेश दिया है इसी के तहत वह जब भी दिखाई देगा तो उसको पूर्ण रूप से बंदी बना लिया जाएगा ब्रांड के पूर्व आई एम एफ सिंडिकेट को सी आई ए से पहले और बेनजी के, के सामने फास्ट को ढूंढते जहां वह एथन के संदिग्ध की पहचान दुष्ट एम आई सिक्स एसन के रूप में करती है जो अब सिंडिकेट का नेता है फिर तीनों लेन में चुनाए गए एक डिजिटल बही खाते को पुनः प्राप्त करने के लिए एक बिजली संयंत्र के नीचे एक पानी के नीचे की तिजोरी में घुसमेट करते हैं जिससे कथित तौर पर सभी सिंडिकेट संचालकों के नाम शामिल है हालांकि फास्ट डेटा लेकर लंदन भाग जाता है और अपने हैंडलर एम आई ए सिक्स इटली से मिलता है जो चुपचाप डेटा हटा देता है और उसे अपना गुप्त काम जारी रखने के लिए मजबूर करता है बाद में बेनजीओ रेतन स्टिकेल और ब्रांड द्वारा पाए जाते हैं यह पता चलता है कि बेंजी ने फास्ट को देने से पहले वही खाते भी डेटा की प्रतिलिपि बनाई थी स्टिकेल को पता चलता है कि डेटा एक एनक्रिप्टेड ब्रिटिश सरकार का वर्चुअल बॉक्सेस है जिसे अनुकोन करने के लिए यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री की बायोमेट्रिक्स की आवश्यकता होती है वे सभी लंदन की यात्रा करते हैं लेकिन किंग क्रॉस रेलवे स्टेशंस पर फास्ट के साथ टीम की बैठक के दौरान लेन के लोगों को बेंजी का अपहरण कर लिया है और एथन को डेटा को डिक्रिप्ट करने में उसे वितरित करने के लिए ब्लैकमेल करने के लिए उसका इस्तेमाल किया है ब्रांड के विरोध की मौजूद एथन मिशन स्वीकार करता है ब्रांड गुप्त रूप से हमले को अपना स्थान बताता है एक्सफॉर्ड ने हमले ब्रांड को इटली प्रधानमंत्री की मिलती है जो पुष्टि करते हैं कि सिंडिकेट को कोफिया इजेंटो की भर्ती करने और निरीक्षण के बिना मिशन करने के लिए इटली द्वारा प्रस्तावित एक गुप्त परियोजना थी जिसे मंत्री ने अस्वीकार किया है इटली एक में खुद को एथन के रूप में प्रकट करता और वह और ब्रांड मंत्री के बायोमेट्रिक्स को सुरक्षित करते हैं जिसमें स्टेकेल को फाइनलोड ड्रिकिप्ट करने की अनुमति मिलती है जब इस असली इटली आती है तो एथन और ब्रांड उसे यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करते हैं कि लेन द्वारा अपना नुस्खे करने से पहले उसके प्रधानमंत्री की जानकारी के बिना गुप्त रूप से सिंडिकेट शुरू किया था जिसने एक इटली की फास्ट को फंसाने की कोशिश की है फाइनल में कई खातों में 2.4 मिलियन तक पहुंचे होने पर पता चलता है एथन ने यह निष्कर्ष निकालने के बाद डेटा को नष्ट कर दिया होलैंड से सिंडिकेट को पैसे से वित्त पोषित करने की योजना बनाई है लैन द्वारा आयोजित बैठक स्थल पर पहुंचने पर एथन और वेंजे मिलता है जो एक बम से बंधा हुआ है और फर्स्ट के साथ लैन के प्रॉक्सी के रूप में काम करने के लिए हेडसेट और कॉन्टैक्ट लेंस कैमरा पहने हुए हैं एथन लैन को बताता है कि उसने डेटा याद कर लिया और बेंजी की सुरक्षा के लिए खुद को पेश करता है लें द्वारा बम को दूर से निष्क्रिय करने के बाद बेंजी भाग जाता है जबकि एथन और फर्स्ट का टावर ऑफ लंदन के माध्यम से विंटर के लोगों द्वारा पीछा किया जाता है फास्ट विंटर को मार देता है जबकि लैन को एथन का पीछा करता है और एक बुलेट प्रूफ ग्लास सेल में फुसलाया जाता और बेहोश कर दिया जाता है आईएमएफ की सफलता के प्रत्यक्ष के रूप में दावा मिशन इम्पॉसिबल रोक मूवी के फैक्टर रिव्यूज मिशन इम्पॉसिबल रोक 2015 की अमेरिकी एक्शन जासूसी फिल्म है जो मेक और डी की कहानी पर क्रिस्टोफोर मैक्री द्वारा लिखित तो और निर्देशित है यह मिशन इम्पॉसिबल घोष प्रोटोकॉल की अगली कड़ी और मिशन इम्पॉसिबल श्रृंखला की पांचवी <coughs> किस्त है इसमें टॉम क्रूज, जेरेमी रेनर साइमन पेग विम रिम्स रेबिका फॉर्ग सीन हैरिस और एलिक से मुख्य भूमिका में हैं यह इम्पॉसिबल मिशन फोर्स एजेंट एथन हेन क्रूज और उनकी टीम का अनुसरण करता है जिसमें उन्हें विक्टर सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा हंट का पीछा करने के बाद दुनिया भर के 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 दुष्ट सरकारी एजेंटों के एक <coughs> अंतरराष्ट्रीय ब्लैक ऑप्स आतंकवादी समूह द सिंडिकेट के गुप्त रूप से लड़ना होगा चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक निर्देशक्रिस्टोफोर मैक्वेरी इस फिल्म की पटकथा की है क्रिस्टोफोर मैक्वेरी ने यह फिल्म की कहानी क्रिस्टोफर मेक्वीडी ड्रू पियर्स पर आधारित है इस फिल्म के उत्पादक टॉम क्रूज इज इब्राहिम एलिशंस डाना गोल्डबर्ग्स, ड्रोन ग्रीसेस पर उत्पादित है इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है <coughs> टॉम क्रूज ने जेरेमी रेनर ने साइमन पैग ने विंग रिम्स ने रेबिका फर्ग्यूशन ने सोम हैरिस ने इलेक् वॉलविन ने इस फिल्म का छायाकान क्या है रॉबर्ट एलवी सीटनी ये फिल्म संपादित है एडी हिमटन द्वारा इस फिल्म को संगीत दिया है जी क्रोमिर द्वारा इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं स्काई डोज प्रोडक्शन्स प्रोडक्शंस, खराब रोबोट प्रोडक्शंस यह फिल्म श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा वितरित है इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख तेईस जुलाई दो रही है और इकतीस जुलाई संयुक्त रहने से, से अमेरिका में रही है इस फिल्म का कार्यकारी समय एक सौ इकतीस मिनट रहा है यह सही तरह से अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है इस फिल्म का बजट 150 मिलियन है और बॉक्स ऑफिस पर छह मिलियन रहा है मैक जिन्होंने मिशन इम्पॉसिबल घोष प्रोटोकॉल के लिए बिना श्रेय के अनुलेखन किया है जो अगस्त दो तो हजार में मिशन इम्पॉसिबल दुष्ट राष्ट्र के निर्देशक के रूप में घोषित किया गया था क्रू श्रीनर पेगो रेम्स की वापसी की पुष्टि जुलाई सन 2014 तक की गई थी जबकि पटकथा भी थी पेरसोर सोरविल स्टेपल्स द्वारा विकसित अंततः इसका श्रेय पूरी तरह से मैकक्वेरी को दिया गया है फोरग्युशन हैरिस और वोलडविन ने अक्टूबर में कलाकारों को चुना मुख्य फोटोग्राफी अगस्त 2014 से मार्च तो 2015 तक विशालम की साम लंदन और हार्ट फोर्टशायर की लुविडन स्टूडियो सहित स्थानों पर थी फिल्म का आधिकारिक शीर्ष मार्च पंद्रह के सामने आया था मूल रूप से 25 दिसंबर 2015 को दुनिया भर में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था इसका प्रीमियर तेईस जुलाई 2015 को वियन एस्टेट ऑपेरो नामांकन स्थानों में से एक में हुआ था <coughs> और एक हफ्ते बाद पैरामाउंट पिक्चर्स अमेरिका में नाटक के रूप से रिलीज किया गया था इसमें एक्शन दृश्य विशेष रूप से क्रूस और में पटकथा लेखन और निर्देशन के लिए प्रशंसा के साथ इसे सकारात्मक समीक्षा मिली इसमें दुनिया भर में छ सौ तिरासी मिलियंस की कमाई की जो 2015 की आठवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और उस समय फ्रांचाइजी की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई जब सीक्वल मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट सोलह दो में रिलीज किया गया था चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में आई एम एफ एंड धन सिंडिकेट ले जाए जा रहे थे तंत्रिका गैस के एक सिपेट को रोकता है जो विभिन्न खुफिया के दुष्ट क्षेत्र के गुर्गों का एक गुप्त संघ है जिसे वह ट्रैक कर रहा है बाद में लंदन के आईएमएफ के स्टेशन पर एथन का वेनस इंडिकेट से ही आया जिससे संकेत मिलता है कि इसने उसके और आईएमएफ के साथ समझौता किया है गैस से बेहोश होने के दौरान उसे चश्मा पहने एक सुनहरे आदमी को स्टेशन संचालक को अंजाम देते हुए देखने के लिए मजबूर किया जाता है डीसी में सीआईए के निदेशक एलन हुल ने ने रूस में हाल ही में विनाशकारी घटनाओं के कारण आईएमएफ को शामिल करने की उसे हटाने के लिए सीनियर समिति को आ, मनाया है सिंडिकेट के अस्तित्व के बारे में उनके को संदेह के कारण पूर्व आईएमएफ एजेंट बेंजी डन और विलियम ब्रॉड के सीआईए के लिए कड़ी जांच सुरक्षा के तहत काम करना शुरू कर दिया है एथनपुर के जीबी एजेंट जॉनिक बॉन डॉक्टर विजेंट के नेतृत्व के एक यातना कक्ष में जगता है एक रहस्य में महिला की मदद से वह भाग निकलता है छः महीने बाद हंड जो एक वांछित भगोड़ा है गुप्त रूप से बेंजी को सिंडिकेट के बारे में जानकारी देता है और विस्ना स्टेट ऑपेरो द्वारा निर्देशित तो टू डॉन्ट के लिए उसके टिकटॉक की व्यवस्था करता है बेंजी की विहसना पहुंचने पर ऐतन ने उनसे एक सुनहरे आदमी का पता लगाने में मदद करने के लिए कहा जिसने लंदन के आईएमएफ स्टेशन संचालक की हत्या की गई थी ओपेरो में उसका नाम उस महिला से होता है जो बाद में ऑस्ट्रेलिया के चांसलर की हत्या करने के लिए एक अंडरकवर एमआई सिक्स एजेंट एल्साफोस को कई अन्य सिंडिकेट एजेंटों के तो रूप में सामने आई एथन हमले को रोकता है और फोस्ट के साथ भाग जाता है केवल चांसलर को एक कार बम द्वारा मारे जाने का गवाह बनता है सिंडिकेट एजेंट द्वारा पीछे किए जाने पर एथन को बेंजी की एक कार की रक्षा के लिए फास्ट छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है चांसलर की हत्या के निकट होने के कारण होने ने विशेष गतिविधि विभाग को एथन और बेंजी को देखते ही पकड़ने यदि आवश्यक हो तो निष्पाषित करने का आदेश दिया है इसी के तहत वह जब भी दिखाई देगा तो उसको पूर्ण रूप से बंदी बना लिया जाएगा ब्रांड के पूर्व आई एम एफ एसूथ सिट को सी आई ए से पहले से दोनों को पता ने के, मदद के लिए मना दिया फिर बीच <coughs> के सामलाट के फास्ट को ढूंढते जहां वह एथन के संदिग्ध की पहचान दुष्ट एम आई सिक्स एसोम लैन के, के रूप में करती है जो अब सिंडिकेट का नेता है फिर तीनों लेन में चुनाए गए एक डिजिटल बही खाते को पुनः प्राप्त करने के लिए एक बिजली संयंत्र के नीचे एक पानी के नीचे की तिजोरी में घुसमेट करते हैं जिससे कथित तौर पर सभी सिंडिकेट संचालकों के नाम शामिल हैं। हालांकि फास्ट डेटा लेकर लंदन भाग जाता है और अपने हैंडलर एम आई ए सिक्स इटली से मिलता है जो चुपचाप डेटा हटा देता है और उसे अपना गुप्त काम जारी रखने के लिए मजबूर करता है बाद में बेनजी और रेतन स्टिकेल और ब्रांड द्वारा पाए जाते हैं यह पता चलता है कि बेंजी ने फास्ट को देने से पहले वही खाते भी डेटा की प्रतिलिपि बनाई थी स्टिकेल को पता चलता है कि डेटा एक एनक्रिप्टेड ब्रिटिश सरकार का वर्चुअल रेड बॉक्सेस है जिसे अनकोन करने के लिए यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री की बायोमेट्रिक्स की आवश्यकता होती है वे सभी लंदन की यात्रा करते हैं लेकिन किंग क्रॉस रेलवे स्टेशन पर फास्ट के साथ टीम की बैठक के दौरान लेन के लोगों को बेंजी का अपहरण कर लिया है और एथन को डेटा को डिक्रिप्ट करने में उसे विथित करने के लिए ब्लैकमेल करने के लिए उसका इस्तेमाल किया है ब्रांड के विरोध के बावजूद एथन मिशन स्वीकार करता है ब्रांड गुप्त रूप से हुल्ले को अपना स्थान बताता है एक्सफॉर्ड ने हमले ब्रांड को इटली प्रधानमंत्री की मिलते हैं जो पुष्टि करते हैं कि सिंडिकेट कोफिया एजेंटों की भर्ती करने और निरीक्षण के बिना मिशन करने के लिए इटली द्वारा प्रस्तावित एक गुप्त परियोजना थी जिसे मंत्री ने अस्वीकार किया है इटली एक मुखोटे में खुद को ऐतन के रूप में प्रकट करता और वह और ब्रांड मंत्री के बायोमेट्रिक को सुरक्षित करते हैं जिसमें स्टेकेल को फाइनलोर डिक्रिप्ट करने की अनुमति मिलती है जब इस असली इटली आती है तो एथन और ब्रांड उसे यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करती हैं कि लैन द्वारा अपना नुस्खे करने से पहले उसके प्रधानमंत्री की जानकारी के बिना गुप्त रूप से सिंडिकेट शुरू किया था जिसने एक इटली की फास्ट को फंसाने की कोशिश की है फाइनल में कई हाथों में 2.4 मिलियन मिलियंस तक पहुंचे होने पर पता चलता है एथन ने यह निष्कर्ष निकालने के बाद डेटा को नष्ट कर दिया होलैंड से सिंडिकेट को पैसे से वित्त पोषित करने की योजना बनाई है लैन द्वारा आयोजित बैठक स्थल पर पहुंचने पर एथन और वेंजे मिलता है जो एक बम से बंधा हुआ है और फर्स्ट के साथ लैन के प्रॉक्सी के रूप में काम करने के लिए हेडसेट और कॉन्टैक्ट लेंस कैमरा पहने हुए हैं एथन लैंड को बताता है कि उसने डेटा याद कर लिया और व्यंजी की सुरक्षा के लिए खुद को पेश करता है लेन द्वारा बम को दूर से निष्क्रिय करने के बाद बेंजी भाग जाता है, जबकि एथन और का एक बुलेट प्रूफ ग्लास सेल में फुसलाया जाता और बेहोश कर दिया जाता है आईएमएफ की सफलता के प्रत्यक्ष के रूप में दावासिबल रोक निश्चन मूवी के फैक्टर रिव्यूज मिशन इम्पॉसिबल रोग नेशन दो की अमेरिकी एक्शन जासूसी फिल्म है जो मेक और डीपीएस की कहानी पर क्रिस्टोफोर मैक्वेरी द्वारा लिखित तो और निर्देशित है यह मिशन इम्पॉसिबल घोष्ट प्रोटोकॉल की अगली कड़ी और मिशन इम्पॉसिबल फिल्म श्रृंखला की पांचवी किस्त है इसमें टॉम क्रूज जेरेमी रेनर साइमन पेग विम रिम्स रेविका फॉर्गन्स सीन हैरिस और एलिक वॉल से मुख्य भूमिका में हैं। यह है इम्पॉसिबल मिशन फोर्स एजेंट एथन हैन क्रूज और उनकी टीम का अनुसरण करता है जिसमें उन्हें विक्टर सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा हंट का पीछा करने के बाद दुनिया भर के दुष्ट सरकारी एजेंटों के एक <coughs> ब्लैक ऑप्स आतंकवादी समूह द सिंडिकेट के गुप्त रूप से लड़ना होगा चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक निर्देशक्रिस्टोफोर के, मैक्वेरी इस फिल्म की पटकथा की है क्रिस्टोफोर मैक्वेरी ने एक फिल्म की कहानी क्रिस्टोफोर मैक्वेरी ड्रू पियस पर आधारित है इस फिल्म के उत्पादक टॉम क्रूज इज इब्राहिम ब्राइन बर्क डेविड एलिशंस डाना गोल्डबर्ग्स ड्रोन ग्रेस पर उत्पादित है इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है <laughs> टॉम क्रूस ने जेरेमी रेनर ने साइमन एगनी विंग रिम्स ने रेबिका फर्ग्यूशन ने सोम हैरिस ने इलेक ने इस फिल्म का छायाकान क्या है रॉबर्ट एलवेसिट ने यह फिल्म संपादित है एडी हिमटन द्वारा इस फिल्म को संगीत दिया है जी क्रोमिर द्वारा इस फिल्म के उत्पादन कंपनियां हैं स्काईडोज प्रोडक्शंस टीसी प्रोडक्शंस खराब रोबोट प्रोडक्शंस यह फिल्म श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा वितरित है इस फिल्म की रिलीज की तारीख 23 जुलाई 2015 रही है और 31 जुलाई सही तरह से अमेरिका में रही है इस फिल्म का कार्यकारी समय 131 मिनट रहा है यह सही तरह से, से, से अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है इस फिल्म का बजट 150 मिलियन है और बॉक्स ऑफिस पर 688.9 मिलियन रहा है <coughs> मैं जिन्होंने मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल के लिए बिना श्रेय के अनुलेखन किया है जो अगस्त 2013 में मिशन इम्पॉसिबल डस्ट्रास्टिक के निदेशक के रूप में घोषित किया गया था क्रू सीनियर पेगो जेम्स की वापसी की पुष्टि जुलाई सन 2014 तक की गई थी जबकि पटकथा भी थी पियर सोरविल स्टेपल्स द्वारा विकसित अंततः इसका श्रेय पूरी तरह से मैकक्वेरी को दिया गया है हैरिस और वोल्डविन ने अक्टूबर में कलाकारों को चुना मुख्य फोटोग्राफी अगस्त 2014 से मार्च 2015 दो हजार, हजार पंद्रह तक की लंदन और हार्ट फोर्टायर की लुविडन स्टूडियो सहित स्थानों पर थी फिल्म का आधिकारिक शीर्ष मार्च 2015 के सामने आया था मूल रूप से 25 दिसंबर 2015 को दुनिया भर में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था इसका प्रीमियर तेईस जुलाई दो हजार पंद्रह को वीएन स्टेट इसमें नामांकन स्थानों में से एक में हुआ था <coughs> और एक हफ्ते बाद पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा अमेरिका में नाटक के रूप से रिलीज किया गया था इसमें एक्शन दृश्यों प्रदर्शन विशेष रूप से क्रूस और फॉर में पटकथा लेखन और निर्देशन के लिए प्रशंसा के साथ इसे सकारात्मक समीक्षा मिली इसमें दुनिया भर में छ मिलियंस की कमाई की जो 2015 की आठवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और उस समय फ्रेंचाइजी की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई जब सीक्वल मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट 2018 में रिलीज किया गया था चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में आईएमएफ एजेंट एंथन हेट सिंडिकेट ले जाई जा रहे थे तंत्रिका गैस के एक <coughs> सिपेट को रोकता है जो विभिन्न खुफिया एजेंसियों के दुष्ट क्षेत्र के गुर्गों का एक गुप्त संघ है जिसे वह ट्रैक कर रहा है बाद में लंदन के आईएमएफ की के स्टेशन पर एथन का विभिन्न सिंडिकेट से ही आया जिससे संकेत मिलता है कि इसने उसके ओर आईएमएफ के साथ समझौता किया है गैस से बेहोश होने के दौरान उसे चश्मा पहनने एक सुनहरे आदमी को स्टेशन संचालक को अंजाम देते हुए देखने के लिए मजबूर किया जाता है डीसी में सीआईए के निदेशक एलन हु ने रूस में हाल ही में विनाशकारी घटनाओं के कारण आईएमएफ को सीआईए में शामिल करने की <coughs> उसे हटाने के लिए सीनियर समिति को आ, मनाया है सिंडिकेट के अस्तित्व के बारे में उनके को संदेह के कारण पूर्व आईएमएफ एजेंट बेंजी डन और विलियम ब्रॉड के सीआईए के लिए कड़ी जांच सुरक्षा के तहत काम करना शुरू कर दिया है एथनपुर के जीबी एजेंट जॉनिक बॉन डॉक्टर विजेंट के नेतृत्व के एक यातना कक्ष में जगता है एक रहस्य में महिला की मदद से वह भाग निकलता है छः महीने बाद हंड जो एक वांछित भगोड़ा है गुप्त रूप से बेंजी को सिंडिकेट के बारे में जानकारी देता है और विस्ना स्टेट ऑपेरो द्वारा निर्देशित तो टू डोंट के लिए उसके टिकटॉक की व्यवस्था करता है बेंजी की पहुंचने पर ऐतन ने उनसे एक सुनहरे आदमी का पता लगाने में मदद करने के लिए कहा लंदन के आईएमएफ स्टेशन संचालक की हत्या की गई थी में उसका नाम उस महिला से होता है जो बाद में के चांसलर की हत्या करने के लिए एक अंडरकवर एम आई सिक्स एल्साफोस्ट को कई अन्य सिंडिकेट एजेंटो यूरोप में सामने आई एथन हमले को रोकता है और फोस्ट के साथ भाग जाता है केवल चांसलर को एक कार बम द्वारा मारे जाने का गवाह बनता है सिंडिकेट एजेंट द्वारा पीछे किए जाने पर एथन को बेंजी की एक कार की रक्षा के लिए फास्ट छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है चांसलर की हत्या के निकट होने के कारण होने ने विशेष गतिविधि विभाग को एथन और बेंजी को देखते ही पकड़ने यदि आवश्यक हो तो निष्पाषित करने का आदेश दिया है इसी के तहत वह जब भी दिखाई देगा तो उसको पूर्ण रूप से बंदी बना लिया जाएगा ब्रांड के पूर्व आईएमएफ एम एफ एस इंक्लूथर को सी से पहले एथन और बेनेस दोनों को पता लगाने की मदद के लिए मना दिया फिर बीच एथन और के सामलाक ने फास्ट को ढूंढते हैं जहां वह एथन के संदिग्ध की पहचान दुष्ट एम आई सिक्स एजेंट के रूप में करती है जो अब सिंडिकेट का नेता है फिर तीनों लेन में चुनाए गए एक डिजिटल बही खाते को पुनः प्राप्त करने के लिए एक बिजली संयंत्र के नीचे एक पानी के नीचे की तिजोरी में घुसमेट करते हैं जिससे कथित तौर पर सभी सिंडिकेट संचालकों के नाम शामिल हैं हालांकि फास्ट डेटा लेकर लंदन भाग जाता है और अपने हैंडलर एम आई ए सिक्स इटली से मिलता है जो चुपचाप डेटा हटा देता है और उसे अपना गुप्त काम जारी रखने के लिए मजबूर करता है बाद में बेनजीओ रेतन स्टिकेल और ब्रांड द्वारा पाए जाते हैं यह पता चलता है कि बेंजी ने फास्ट को देने से पहले वही खाते भी डेटा की प्रतिलिपि बनाई थी स्टिकेल को पता चलता है कि डेटा एक अनक्रिप्टेड ब्रिटिश सरकार का वर्चुअल रेडबॉक्सेज है जिसे अनुकोन करने के लिए यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री की बायोमेट्रिक्स की आवश्यकता होती है वे सभी लंदन की यात्रा करते हैं लेकिन किंग क्रॉस रेलवे स्टेशंस पर फास्ट के साथ टीम की बैठक के दौरान टीम के लोगों को बेंजी का अपहरण कर लिया है और एथन को को डेटा डिक्रिप्ट करने करने में उसे करने के लिए ब्लैकमेल करने के लिए उसका इस्तेमाल किया है ब्रांड के विरोध की मासूम एथन मिशन स्वीकार करता है ब्रांड गुप्त रूप से हुले को अपना स्थान बताता है एक्सफोर्ड में हुले ब्रांड को इटली प्रधानमंत्री की मिलती है जो पुष्टि करते हैं कि सिंडिकेट को खुफिया एजेंटो की भर्ती करने और निरीक्षण के बिना मिशन करने के लिए इटली द्वारा प्रस्तावित एक गुप्त परियोजना थी जिसे मंत्री ने अस्वीकार किया है इटली एक में खुद को एथन के रूप में प्रकट करता और वह और ब्रांड मंत्री के बायोमेट्रिक को सुरक्षित करते हैं जिसमें स्टेकेल को फाइनलोड ड्रिकिप्ट करने की अनुमति मिलती है जब इस असली इटली आती है तो एथन और ब्रांड उसे यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करते हैं कि ले द्वारा अपना नुस्खे करने से पहले उसके प्रधानमंत्री की जानकारी के बिना गुप्त रूप से सिंडिकेट शुरू किया था जिसने एक इटली की फास्ट को फंसाने की कोशिश की है फाइनल में कई खातों में 2.4 मिलियन तक पहुंचे होने पर पता चलता है एथन ने यह निष्कर्ष निकालने के बाद डेटा को नष्ट कर दिया होलैंड से सिंडिकेट को पैसे से वित्त पोषित करने की योजना बनाई है लैन द्वारा आयोजित बैठक स्थल पर पहुंचने पर एथन और वेन्जे मिलता है जो एक बम से बंधा हुआ है और फर्स्ट के साथ लैन के प्रॉक्सी के रूप में काम करने के लिए हेडसेट और कॉन्टैक्ट लेंस कैमरा पहने हुए हैं एथन लैन को बताता है कि उसने डेटा याद कर लिया और बेंजी की सुरक्षा के लिए खुद को पेश करता है लैन द्वारा बम को दूर से निष्क्रिय करने के बाद बेंजी भाग जाता है जबकि एथन और फर्स्ट का टावर ऑफ लंदन के माध्यम से विंटर के लोगों द्वारा पीछा किया जाता है फास्ट विंटर को मार देता है जबकि लैन को एथन का पीछा करता है और एक बुलेट प्रूफ ग्लास सेल में फुसलाया जाता और बेहोश कर दिया जाता है आईएमएफ की सफलता के प्रत्यक्ष के रूप में दावा मिशन इम्पॉसिबल रोक निश्चन मूवी के फैक्टर रिव्यूज मिशन इम्पॉसिबल रोक निशन दो की अमेरिकी एक्शन जासूसी फिल्म है जो मेक और डी पी एस की कहानी पर क्रिस्टोफोर मैक्वेरी द्वारा लिखित तो और निर्देशित है यह मिशन इम्पॉसिबल घोष प्रोटोकॉल की अगली कड़ी और मिशन इम्पॉसिबल फिल्म श्रृंखला की पांचवी <coughs> किस्त है इसमें टॉम क्रूज, जेडेमी रेनर साइमन पेग विम रिम्स रेबिका फॉर्गन्स सीन हैरिस और एलिकवाल से मुख्य भूमिका में हैं यह इम्पॉसिबल मिशन फोर्स एजेंट एथन हंड क्रूज और उनकी टीम का अनुसरण करता है जिसमें उन्हें विक्टर सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा हंट का पीछा करने के बाद रूप से लड़ना होगा चलिए दोस्तों बात करते इस फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक्रिस्टोफोर मैक्वेरी इस फिल्म की पटकथा की है क्रिस्टोफोर मैक्वेरी ने एक फिल्म कहानी क्रिस्टोफर मेक्वेडी ड्रू पियर्स पर आधारित है इस फिल्म के उत्पादक टॉम क्रूज इज इब्राहिम ब्राइन बर्क डेविड एलिशंस डाना गोल्डबर्ग्स, ड्रोन ग्रीसेस पर उत्पादित है इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है <coughs> टॉम क्रूज ने जेरेमी रेनर ने साइमन बैग ने विंग रिम्स ने रेविका फर्क्यूशन ने सोम हैरिस ने इलेक ने इस फिल्म का छायाकान क्या है रॉबर्ट एलवी सिटनी ये यह फिल्म संपादित है एडी हिमटन द्वारा इस फिल्म को संगीत दिया है जी क्रोमेर द्वारा इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं स्काईडोज प्रोडक्शंस टीशी प्रोडक्शंस, खराब रोबोट प्रोडक्शंस यह फिल्म श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा वितरित है इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख तेईस जुलाई दो रही है और इकतीस जुलाई संयुक्त नजर अमेरिका में रही है इस फिल्म का कार्यकारी समय एक मिनट रहा है यह सही तरह से अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है इस फिल्म का बजट 150 मिलियन है और बॉक्स ऑफिस पर छह मिलियन रहा है मैक जिन्होंने मिशन इम्पॉसिबल घोष प्रोटोकॉल के लिए बिना श्रेय के अनुलेखन किया है जो अगस्त दो तो में मिशन इम्पॉसिबल दुष्ट राष्ट्र के निदेशक के रूप में घोषित किया गया था क्रूज रीनर रेम्स की वापसी की पुष्टि जुलाई सन 2014 तक की गई थी जबकि पटकथा भी थी पियर सोरविल स्टेपल्स द्वारा विकसित अंततः इसका श्रेय पूरी तरह से मैकवेरी को दिया गया है फोर्ग्यूशन हैरिस और वोल्डविन ने अक्टूबर में कलाकारों को चुना मुख्य फोटोग्राफी अगस्त 2014 से मार्च तो 2015 तक विशाला लंदन और हार्ट शहर की लुविडन स्टूडियो सहित स्थानों पर थी फिल्म का आधिकारिक था दो रूप से 25 दिसंबर 2015 को दुनिया भर में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था इसका प्रीमर तेईस जुलाई 2015 को रियन एस्टेट ओपेरो नामांकन स्थानों में से एक में हुआ था <coughs> और एक हफ्ते बाद पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा अमेरिका में नाटक रूप से रिलीज किया गया था इसमें एक्शन दृश्यों प्रदर्शन विशेष रूप से क्रूस और क्रूसन में पटकथा लेखन और निर्देशन के लिए प्रशंसा के साथ इसे सकारात्मक समीक्षा मिली इसमें दुनिया भर में छह सौ तिरासी मिलियंस की कमाई की जो 2015 की आठवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और उस समय फ्रांचाइजी की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई जब सीक्वल मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट सोलह दो में रिलीज किया गया था चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। आई एम एंड धन सिंडिकेट ले जाए जा रहे थे तंत्रिका गैस के एक <coughs> सिपेट को रोकता है जो विभिन्न खुफिया के दुष्ट क्षेत्र के गुर्गों का एक गुप्त संघ है जिसे वह ट्रैक कर रहा है बाद में लंदन के आईएमएफ के स्टेशन पर एथन का वेनस इंडिकेट से ही आया जिससे संकेत मिलता है कि इसने उसके और आईएमएफ के साथ समझौता किया है गैस से बेहोश होने के दौरान उसे चश्मा पहनने एक सुनहरे आदमी को स्टेशन संचालक को अंजाम देते हुए देखने के लिए मजबूर किया जाता है डीसी में सीआईए के निदेशक एलन हुल ने रूस में हाल ही में विनाशकारी घटनाओं के कारण आईएमएफ आई को में शामिल करने की उसे हटाने के लिए सीनियर समिति को आ, मनाया है सिंडिकेट के अस्तित्व के बारे में उनके को संदेह के कारण पूर्व आईएमएफ एजेंट बेंजी डन और विलियम ब्रॉड के सीआईए के लिए कड़ी जांच सुरक्षा के तहत काम करना शुरू कर दिया है एटनपुर के जीबी एजेंट जॉनिक बॉन डॉक्टर विजेंट के नेतृत्व के एक यातना कक्ष में जगता है एक रहस्य में महिला की मदद से वह बाहर निकलता है छः महीने बाद हंड जो एक वांछित भगोड़ा है गुप्त रूप से बेंजी को सिंडिकेट के बारे में जानकारी देता है और विस्ना स्टेट ऑपेरो द्वारा निर्देशित टो तो के लिए उसके टिकटॉक की व्यवस्था करता है बेंजी की पहुंचने पर ऐतन ने उनसे एक सुनहरे आदमी का पता लगाने में मदद करने के लिए कहा जिसने लंदन के आईएमएफ स्टेशन संचालक की हत्या की गई थी ओपेरो में उसका नाम उस महिला से होता है जो बाद में ऑस्ट्रेलिया के चांसलर की हत्या करने के लिए एक अंडरकवर एम आई सिक्स एजेंट सिंडिकेट सिट एजेंटो तो यूरोप में सामने आई एथन हमले को रोकता है और फोस्ट के साथ भाग जाता है केवल चांसलर को एक कार बम द्वारा मारे जाने का गवाह बनता है सिंडिकेट एजेंट द्वारा पीछे किए जाने पर एथन को बेंजी की एक कार की रक्षा के लिए फास्ट छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है चांसलर की हत्या के निकट होने के कारण हुए ने विशेष गतिविधि विभाग को एथन और बेंजी को देखते ही पकड़ने यदि आवश्यक हो तो निष्पाषित करने का आदेश दिया है इसी के तहत वह जब भी दिखाई देगा तो उसको पूर्ण रूप से बंदी बना लिया जाएगा ब्रांड के पूर्व आई एम एफर सिंडिकेट को सी आई एन और बीच <coughs> एथन और बेनजी के सामला के फास्ट को ढूंढते जहां वह एथन के संदिग्ध की पहचान दुष्ट एम आई सिक्स एसियन के, के रूप में करती है जो अब सिंडिकेट का नेता है फिर तीनों लेन में चुनाए गए एक डिजिटल बही खाते को पुनः प्राप्त करने के लिए एक बिजली संयंत्र के नीचे एक पानी के नीचे की तिजोरी में घुसमेट करते हैं जिससे कथित तौर पर सभी सिंडिकेट संचालकों के नाम शामिल है हालांकि फास्ट डेटा लेकर लंदन भाग जाता है और अपने हैंडलर एम आई ए सिक्स इटली से मिलता है जो चुपचाप डेटा हटा देता है और उसे अपना गुप्त काम जारी रखने के लिए मजबूर करता है बाद में बेनजीओ रेतन स्टिकेल और ब्रांड द्वारा पाए जाते हैं यह पता चलता है कि बेंजी ने फास्ट को देने से पहले वही खाते में डेटा की प्रतिलिपि बनाई थी स्टिकेल को पता चलता है कि डेटा एक एनक्रिप्टेड ब्रिटिश सरकार का वर्चुअल बॉक्सेस है जिसे अनकोन करने के लिए यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री की बायोमेट्रिक्स की आवश्यकता होती है वे सभी लंदन की यात्रा करते हैं लेकिन किंग क्रॉस रेलवे स्टेशंस पर फास्ट के साथ टीम की बैठक के दौरान लेन के लोगों को बेंजी का अपहरण कर लिया है और एथन को डेटा को डिक्रिप्ट करने में उसे वितरित करने के लिए ब्लैकमेल करने के लिए उसका इस्तेमाल किया है ब्रांड के विरोध के बावजूद एथन मिशन स्वीकार करता है ब्रांड गुप्त रूप से हमले को अपना स्थान बताता है एक्सफॉर्ड ने हमले ब्रांड को इटली प्रधानमंत्री की मिलते हैं जो पुष्टि करते हैं कि सिंडिकेट खुफिया एजेंटों की भर्ती करने और निरीक्षण के बिना मिशन करने के लिए इटली द्वारा प्रस्तावित एक गुप्त परियोजना थी जिसे मंत्री ने अस्वीकार किया है इटली एक मुखोटे में खुद को आयतन के रूप में प्रकट करता और वह और ब्रांड मंत्री के बायोमेट्रिक को सुरक्षित करते हैं जिसमें स्टेकेल को फाइनलोर ड्रिकिप्ट करने की अनुमति मिलती है जब इस असली इटली आती है तो एथन और ब्रांड उसे यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करती हैं कि लेन द्वारा अपना उसके करने से पहले उसके प्रधानमंत्री की जानकारी के बिना गुप्त रूप से सिंडिकेट शुरू किया था जिसने एक इटली की फास्ट को फंसाने की कोशिश की है फाइनल में कई खातों में 2.4 मिलियन तक पहुंचे होने पर पता चलता है एथन ने यह निष्कर्ष निकालने के बाद डेटा को नष्ट कर दिया हो से सिंडिकेट को पैसे से वित्त पोषित करने की योजना बनाई है लैन द्वारा आयोजित बैठक स्थल पर पहुंचने पर एथन और वेंजे मिलता है जो एक बम से बंधा हुआ है और फर्स्ट के साथ लैन के प्रॉक्सी के रूप में काम करने के लिए हेडसेट और कॉन्टैक्ट लेंस कैमरा पहने हुए हैं एथन लैन को बताता है कि उसने डेटा याद कर लिया और व्यन्जी की सुरक्षा के लिए खुद को पेश करता है लेन द्वारा बम को दूर से निष्क्रिय करने के बाद बेंजी जाता है, जबकि एथन और एक बुलेट प्रूफ ग्लास सेल में फुसलाया जाता और बेहोश कर दिया जाता है आईएमएफ की सफलता के प्रत्यक्ष के रूप में दावा मिशन इम्पॉसिबल रोक निश्चन मूवी के फैक्टर रिव्यूज मिशन इम्पॉसिबल रोकनेशन दो 2015 की अमेरिकी एक्शन जासूसी फिल्म है जो मेक और डी की कहानी पर क्रिस्टोफोर मैक्वेरी द्वारा लिखित तो और निर्देशित है यह मिशन इम्पॉसिबल घोष्ट प्रोटोकॉल की अगली कड़ी और मिशन इम्पॉसिबल फिल्म श्रृंखला की पांचवी किस्त है इसमें टॉम क्रूज <coughs> जेरेमी रेनर साइमन पेग विम रिम्स रेबिका फॉर्गशंस हैरिस और एलिक वाल से मुख्य भूमिका में है यह इम्पॉसिबल मिशन फोर्स एजेंट एथन हैंड्रूस और उनकी टीम का अनुसरण करता है जिसमें उन्हें विक्टर और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा हंट का पीछा करने के बाद दुनिया भर के दुष्ट सरकारी एजेंटों के एक <coughs> ब्लैक ऑप्स आतंकवादी समूह द सिंडिकेट के गुप्त रूप से लड़ना होगा चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक निर्देशक्रिस्टोफोर मैक्वेरी इस फिल्म की पटकथा की है क्रिस्टोफोर मैक्वेरी ने यह फिल्म की कहानी क्रिस्टोफोर मैक्वेरी पर आधारित है इस फिल्म के उत्पादक टॉम क्रूज इजे इब्राहिम ब्राइन बर्क डेविड एलिशंस डाना गोल्डबर्ग्स ड्रोन ग्रेस पर उत्पादित है इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है <laughs> टॉम क्रूस ने जेरेमी रेनर ने साइमन बेगनी विंग रिम्स ने रेबिका फर्क्यूशन ने सोम हैरिस ने इलेक्टर ने इस फिल्म का छायाकान किया है रॉबर्ट एल्विसिट ने यह फिल्म संपादित है एडी हिमटन द्वारा इस फिल्म को संगीत दिया है जी क्रोमेर द्वारा इस फिल्म के उत्पादन कंपनियाँ हैं स्काईडोज प्रोडक्शंस टीसी प्रोडक्शंस खराब रोबोट प्रोडक्शंस यह फिल्म श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा वितरित है इस फिल्म की रिलीज की तारीख 23 जुलाई 2015 रही है और 31 जुलाई से एक से अमेरिका में रही है इस फिल्म का कार्यकारी समय 131 मिनट रहा है यह सही तरह से अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है इस फिल्म का बजट 150 मिलियन है और बॉक्स ऑफिस पर 688.9 मिलियन रहा है मैं जिन्होंने मिशन इम्पॉसिबल घोष प्रोटोकॉल के लिए बिना श्रेय के अनुलेखन किया है जो अगस्त 2013 तो में मिशन इम्पॉसिबल दुष्ट राष्ट्र के निदेशक के रूप में घोषित किया गया था क्रूस रिनर पैगो रेम्स तो की वापसी की पुष्टि जुलाई सन 2014 तक की गई थी जबकि पटकथा भी थी पेयर सोर विल स्टेपर्स द्वारा विकसित अंततः इसका श्रेय पूरी तरह से मैकवेरी को दिया गया है फोरग्यूशन हैरिस और ने अक्टूबर में कलाकारों को चुना मुख्य फोटोग्राफी अगस्त 2014 से मार्च 2015 तक हजार की तक लंदन और हार्टफोर्ड शहर के की सीडन स्टूडियो सहित स्थानों पर थी फिल्म का आधिकारिक शीर्ष मार्च 2015 के सामने आया था मूल रूप से 25 दिसंबर 2015 को दुनिया भर में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था इसका प्रीमियर 23 जुलाई 2015 को वीएनएस स्टेट ओपेरो इसमें नामांकन स्थानों में से एक में हुआ था <coughs> और एक हफ्ते बाद पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा अमेरिका में नाटक के रूप से रिलीज किया गया था इसमें एक्शन दृश्यों प्रदर्शन विशेष रूप से क्रूस और फॉल्युशन में पटकथा लेखन और निर्देशन के लिए प्रशंसा के साथ इसे सकारात्मक समीक्षा मिली इसमें दुनिया भर में 680 मिलियंस की कमाई की जो 2015 की आठवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और उस समय फ्रेंचाइजी की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई जब सीक्वल मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट जुलाई दो में रिलीज किया गया था चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में आईएमएफ एजेंट एंड हिट सिंडिकेट ले जाए जा रहे थे तंत्रिका गैस की एक <coughs> सिपेट को रोकता है जो विभिन्न खुफिया एजेंसियों के दुष्ट क्षेत्र के गुर्गों का एक गुप्त संघ है जिसे वह ट्रैक कर रहा है बाद में लंदन के आईएमएफ के स्टेशन पर एथन का विभिन्न सिंडिकेट से ही आया जिससे संकेत मिलता है कि इसने उसके ओर आईएमएफ के साथ समझौता किया है गैस से बेहोश होने के दौरान उसे चश्मा पहनने एक सुनहरे आदमी को स्टेशन संचालक को अंजाम देते हुए देखने के लिए मजबूर किया जाता है डीसी के निदेशक एलन एन ने रूस में हाल ही में विनाशकारी घटनाओं के कारण आईएमएफ को सीआईए में शामिल करने की <coughs> उसे हटाने के लिए सीनियर समिति को आ, मनाया है सिंडिकेट के अस्तित्व के बारे में उनके को संदेह के कारण पूर्व आईएमएफ एजेंट भेंजी डन और विलियम ब्रॉड के सीआईए के लिए कड़ी जांच सुरक्षा के तहत काम करना शुरू कर दिया है एटनपुर के जीबी एजेंट जॉनिक बॉन डॉक्टर विजेंट के नेतृत्व के एक यातना कक्ष में जगता है एक रहस्य में महिला की मदद से वह भाग निकलता है छः महीने बाद हंड जो एक वांछित भगोड़ा है गुप्त रूप से बेंजी को सिंडिकेट के बारे में जानकारी देता है और विस्ना स्टेट ऑपेरो द्वारा निर्देशित तो टू डॉन्ट के लिए उसके टिकटॉक की व्यवस्था करता है बेंजी की व्यवस्था पहुंचने पर ऐतन ने उनसे एक सुनहरे आदमी का पता लगाने में मदद करने के लिए कहा जिसने लंदन के आईएमएफ स्टेशन संचालक की हत्या की गई थी ओपेरो में उसका नाम उस महिला से होता है जो बाद में ऑस्ट्रेलिया की चांसलर की हत्या करने के लिए एक अंडरकवर एमआई एजेंट एल्सा फोर्स को कई अन्य सिंडिकेट एजेंटों के रूप में सामने आई एथन हमले को रोकता है और फोस्ट के साथ भाग जाता है केवल चांसलर को एक कार बम द्वारा मारे जाने का गवाह बनता है सिंडिकेट एजेंट द्वारा पीछे किए जाने पर एथन को बेंजी की एक कार की रक्षा के लिए फास्ट छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है चांसलर की हत्या के निकट होने के कारण ने विशेष गतिविधि विभाग को एथन और बेन्जी को देखते ही पकड़ने यदि आवश्यक को तो निष्पाषित करने का आदेश दिया है इसी के तहत वह जब भी दिखाई देगा तो उसको पूर्ण रूप से बंदी बना लिया जाएगा ब्रांड के पूर्व आई एम एफ एसूथ सिट को सामलाट के, लिए मना दिया। फिर <coughs> और के फास्ट को ढूंढते जहां वह एथन के संग की पहचान दुष्ट एम आई सिक्स एसियन सिलोम के रूप में करती है जो अब सिंडिकेट का नेता है फिर तीनों लेन में चुनाए गए एक डिजिटल बही खाते को पुनः प्राप्त करने के लिए एक बिजली संयंत्र के नीचे एक पानी के नीचे की तिजोरी में घुसमेट करते हैं जिससे कथित तौर पर सभी सिंडिकेट संचालकों के नाम शामिल है हालांकि फास्ट डेटा लेकर लंदन भाग जाता है और अपने हैंडलर एम आई ए सिक्स प्रमोक इटली से मिलता है जो चुपचाप डेटा हटा देता है और उसे अपना गुप्त काम जारी रखने के लिए मजबूर करता है बाद में बेनजीओ रेतन स्टिकेल और ब्रांड द्वारा पाए जाते हैं यह पता चलता है कि बेंजी ने फास्ट को देने से पहले वही खाते में डेटा की प्रतिलिपि बनाई थी स्टिकेल को पता चलता है कि डेटा एक एनक्रिप्टेड ब्रिटिश सरकार का वर्चुअल बॉक्सेस है जिसे अनकोन करने के लिए यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री की बायोमेट्रिक्स की आवश्यकता होती है वे सभी लंदन की यात्रा करते हैं लेकिन किंग क्रॉस रेलवे स्टेशन पर फास्ट के साथ टीम की बैठक के दौरान लेन के लोगों को बेंजी का अपहरण कर लिया है और एथन को डेटा को डिक्रिप्ट करने में उसे विथित करने के लिए ब्लैकमेल करने के लिए उसका इस्तेमाल किया है ब्रांड के विरोध के बावजूद एथन मिशन स्वीकार करता है ब्रांड गुप्त रूप से हुल्ले को अपना स्थान बताता है एक्सफॉर्ड में हुली ब्रांड को इटली प्रधानमंत्री की मिलती है जो पुष्टि करते हैं कि सिंडिकेट को कुफिया इजेंटो की भर्ती करने और निरीक्षण के बिना मिशन करने के लिए इटली द्वारा प्रस्तावित एक गुप्त परियोजना थी जिसे मंत्री ने अस्वीकार किया है इटली एक मुखोटे में खुद को एथन के रूप में प्रकट करता और वह और ब्रांड मंत्री के बायोमेट्रिक को सुरक्षित करते हैं जिसमें स्टेकेल को फाइनल ड्रिकिप्ट करने की अनुमति मिलती है जब इस असली इटली आती है तो एथन और ब्रांड उसे यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करते हैं कि लेम द्वारा अपना नुस्खे करने से पहले उसके प्रधानमंत्री की जानकारी के बिना गुप्त रूप से सिंडिकेट शुरू किया था जिसने एक इटली की फास्ट को फंसाने की कोशिश की है फाइनल में कई खातों में 2.4 मिलियन तक पहुंचे होने पर पता चलता है एथन ने यह निष्कर्ष निकालने के बाद डेटा को नष्ट कर दिया होलैंड से सिंडिकेट को पैसे से वित्त पोषित करने की योजना बनाई है लैन द्वारा आयोजित पर्यटक स्थल पर पहुंचने पर एथन और वजन मिलता है जो एक बम से बंधा हुआ है और फर्स्ट के साथ लैन के प्रॉक्सी के रूप में काम करने के लिए हेडसेट और कॉन्टैक्ट लेंस कैमरा पहने हुए हैं एथन लैंड को बताता है कि उसने डेटा याद कर लिया है और बेंजी की सुरक्षा के लिए खुद को पेश करता है लैन द्वारा बम को दूर से निष्क्रिय करने के बाद बेंजी भाग जाता है जबकि एथन और फर्स्ट का टावर ऑफ लंदन के माध्यम से विंटर के लोगों द्वारा पीछा किया जाता है फास्ट विन का पीछा करता है और एक बुलेट प्रूफ ग्लास सेल में फुसलाया जाता और बेहोश कर दिया जाता है आईएमएफ की सफलता के प्रत्यक्ष के रूप में दावा मिशन इम्पॉसिबल रोकनेशन मूवी के फैक्टर रिव्यूज मिशन इम्पॉसिबल रोकनेशन दो की अमेरिकी एक्शन जासूसी फिल्म है जो मिक और डी की कहानी पर क्रिस्टोफोर मैक्री द्वारा लिखित तो और निर्देशित है यह मिशन इम्पॉसिबल घोष्ट प्रोटोकॉल की अगली कड़ी और मिशन इम्पॉसिबल फिल्म श्रृंखला की पांचवी <coughs> है। इसमें टॉम क्रूज, जेरेमी रेनर साइमन पेग विम रिम्स रेबिका फॉर्गन्स सीन हैरिस और एलिक वॉल से मुख्य भूमिका में हैं यह इम्पॉसिबल मिशन फोर्स एजेंट क्रूज और उनकी टीम का अनुसरण करता है जिसमें उन्हें विक्टर सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा हंट का पीछा करने के बाद दुनिया भर के 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 दुष्ट सरकारी एजेंटों के एक <laughs> अंतरराष्ट्रीय ब्लैक ऑप्स आतंकवादी समूह द सिंडिकेट के गुप्त रूप से लड़ना होगा चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक निर्देशक्रिस्टोफोर मैक्वेरी इस फिल्म की पटकथा की है क्रिस्टोफोर मैक्वेरी ने एक फिल्म की कहानी क्रिस्टोफर मेक्वीडी ड्रू पियर्स पर आधारित है इस फिल्म के उत्पादक टॉम क्रूज इज इब्राहिम एलिशन डाना ड्रोन बर्ग ड्रोन उत्पादित है इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है टॉम क्रूज ने जेरेमी रेनर ने साइमन पैग ने विंग रीम्स ने रेबिका फर्ग्यूसन ने सोम हैरिस ने इलेक वॉलविन ने इस फिल्म का छायाकान क्या है रॉबर्ट एलवी सिटनी ये फिल्म संपादित है एडी हिमटन द्वारा इस फिल्म को संगीत दिया है जी क्रोमिर द्वारा इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं स्काईडोज प्रोडक्शंस टीसी प्रोडक्शंस खराब रोबोट प्रोडक्शंस यह फिल्म श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा वितरित है इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख तेईस जुलाई 2015 रही है और 31 जुलाई संयुक्त नज अमेरिका में रही है इस फिल्म का कार्यकारी समय एक सौ इकतीस मिनट रहा है यह सही तरह से अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है इस फिल्म का बजट एक सौ पचास मिलियन है और बॉक्स ऑफिस पर छह सौ अठासी पॉइंट नौ मिलियन रहा है <coughs> मैकवेरी जिन्होंने मिशन इम्पॉसिबल घोष प्रोटोकॉल के लिए बिना श्रेय के अनुल किया है जो अगस्त दो तो में मिशन इम्पॉसिबल दुष्ट राष्ट्र के निर्देशक के रूप में घोषित किया गया था क्रूस रीनर पेग और वापसी की वापसी की पुष्टि जुलाई सन 2014 तक की गई थी जबकि पटकथा भी थी पियर विल स्टेपल्स द्वारा विकसित अंततः इसका श्रेय पूरी तरह से मैकवेरी को दिया गया है फोर्ग्यूशन हैरिस और वोल्डविन ने अक्टूबर में कलाकारों को चुना मुख्य फोटोग्राफी अगस्त 2014 से मार्च तो 2015 तक विशाला लंदन और हार्ट शहर की लुविडन स्टूडियो सहित स्थानों पर थी फिल्म का आधिकारिक शीर्षमा हजार पंद्रह के सामने आया था मूल रूप से 25 दिसंबर 2015 को दुनिया भर में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था इसका प्रीमर तेईस जुलाई 2015 को वियएन स्टेट इसमें नामांकन स्थानों में से एक में हुआ था और एक हफ्ते बाद पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा अमेरिका में नाटक के रूप से रिलीज किया गया था इसमें एक्शन दृश्यों प्रदर्शन विशेष रूप से क्रूस और में पटकथा लेखन और निर्देशन के लिए प्रशंसा के साथ इसे सकारात्मक समीक्षा मिली इसमें दुनिया भर में छ सौ तिरासी मिलियंस की कमाई की जो 2015 की आठवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और उस समय फ्रांचाइजी की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई जब सीक्वल मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट सोलह दो में रिलीज किया गया था चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में आईएमएफ एजेंट एंड धन सिंडिकेट ले जाए जा रहे थे तंत्रिका गैस के एक सिपेट को रोकता है जो विभिन्न खुफिया के दुष्ट क्षेत्र के गुर्गों का एक गुप्त संघ है जिसे वह ट्रैक कर रहा है बाद में लंदन के आईएमएफ के स्टेशन पर एथन का वियोनस सिंडिकेट से ही आया जिससे संकेत मिलता है कि इसने उसके और आईएमएफ के साथ संज्ञुता किया है। गैस से बेहोश होने के दौरान उसे चश्मा पहनने एक सुनहरे आदमी को स्टेशन संचालक को अंजाम देते हुए देखने के लिए मजबूर किया जाता है। डीसी में सीआईए के निदेशक एलन हुल्� ने रूस में हाल ही में विनाशकारी घटनाओं के कारण आईएमएफ को एफ को सीआईए में शामिल उसे हटाने के लिए सीनेट समिति को आ, मनाया है सिंडिकेट के अस्तित्व के बारे में उनके को संदेह के कारण पूर्व आईएमएफ एजेंट बेंजी डन और विलियम ब्रॉड के सीआईए के लिए कड़ी जांच और सुरक्षा के तहत काम करना शुरू कर दिया है एथनपुर के जीबी एजेंट जॉनिक बॉन डॉक्टर विजेंट के नेतृत्व के एक यातना कक्ष में जगता है एक रहस्य में महिला की मदद से वह बाहर निकलता है छः महीने बाद हंड जो एक वांछित भगोड़ा है गुप्त रूप से बेंजी सिंडिकेट के बारे में जानकारी देता है और विस्ना स्टेट ऑपेरो द्वारा निर्देशित टू तो डोंट के लिए उसके टिकटॉक की व्यवस्था करता है बेंजी की विहसना पहुंचने पर ऐतन ने उनसे एक सुनहरे आदमी का पता लगाने में मदद करने के लिए कहा <coughs> जिसने लंदन के आईएमएफ स्टेशन संचालक की हत्या की गई थी ओपेरो में उसका नाम उस महिला से होता है जो बाद में ऑस्ट्रेलिया की चांसलर की हत्या करने के लिए एक अंडरकवर एम एजेंट एल्साफोस को कई अन्य सिंडिकेट एजेंटों के रूप में सामने आई एथन हमले को रोकता है और फोस्ट के साथ भाग जाता है केवल चांसलर को एक कार बम द्वारा मारे जाने का गवाह बनता है सिंडिकेट एजेंट द्वारा पीछे किए जाने पर एथन को बेंजी की एक कार की रक्षा के लिए फास्ट छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है चांसलर की हत्या के निकट होने के कारण ने विशेष गतिविधि विभाग को एथन और बेंजी को देखते ही पकड़ने यदि आवश्यक हो तो निष्पाषित करने का आदेश दिया है इसी के तहत वह जब भी दिखाई देगा तो उसको पूर्ण रूप से बंदी बना लिया जाएगा ब्रांड के पूर्व आईएमएफ एम एफ एस ग्लूथर को सी से पहले एथन और बेनेस दोनों को पता लगाने की मदद के लिए मना दिया फिर बीच एथन और बेनजी के सामलाक में फास्ट को ढूंढते हैं जहां वह एथन के संदिग्ध की पहचान दुष्ट एम आई सिक्स के, के रूप में करती है जो अब सिंडिकेट का नेता है फिर तीनों लेन में चुनाए गए एक डिजिटल बही खाते को पुनः प्राप्त करने के लिए एक बिजली संयंत्र के नीचे एक पानी के नीचे की तिजोरी में घुसमेट करते हैं जिससे कथित तौर पर सभी सिंडिकेट संचालकों के नाम शामिल हैं हालांकि फास्ट डेटा लेकर लंदन भाग जाता है और अपने हैंडलर एम आई ए सिक्स प्रमोख इटली से मिलता है जो चुपचाप डेटा हटा देता है और उसे अपना गुप्त काम जारी रखने के लिए मजबूर करता है बाद में बेनजीओ रेतन स्टिकेल और ब्रांड द्वारा पाए जाते हैं यह पता चलता है कि बेंजी ने फास्ट को देने से पहले वही खाते भी डेटा की प्रतिलिपि बनाई थी स्टिकेल को पता चलता है कि डेटा एक अनक्रिप्टेड ब्रिटिश सरकार का वर्चुअल रेडबॉक्सेज है जिसे अनुकोन करने के लिए यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री की बायोमेट्रिक्स की आवश्यकता होती है वे सभी लंदन की यात्रा करते हैं लेकिन किंग क्रॉस रेलवे स्टेशंस पर फास्ट के साथ टीम की बैठक के दौरान लेन के लोगों को बेंजी का अपहरण कर लिया है और एथन को डेटा को डिक्रिप्ट करने में उसे व्यतीत करने के लिए ब्लैकमेल करने के लिए उसका इस्तेमाल किया है ब्रांड के विरोध के बावजूद एथन मिशन स्वीकार करता है ब्रांड गुप्त रूप से हुल्ले को अपना स्थान बताता है एक्सफोर्ड में हुल्ले ब्रांड को इटली प्रधानमंत्री की मिलती है जो पुष्टि करते हैं कि सिंडिकेट वो खुफिया एजेंटों तो की भर्ती करने और निरीक्षण के बिना मिशन करने के लिए इटली द्वारा प्रस्तावित एक गुप्त परियोजना थी जिसे मंत्री ने अस्वीकार किया है इटली एक मुखोटे में खुद को एथन के रूप में प्रकट करता और वह और ब्रांड मंत्री के बायोमेट्रिक को सुरक्षित करते हैं जिसमें स्टेकेल को फाइनल और ड्रिप्ट करने की अनुमति मिलती है जब इस असली इटली आती है तो एथन और ब्रांड उसे यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करते हैं कि ले द्वारा अपना नुस्खे करने से पहले उसके प्रधानमंत्री की जानकारी के बिना गुप्त रूप से सिंडिकेट शुरू किया था जिसने एक इटली की फास्ट को फंसाने की कोशिश की है फाइनल में कई खातों में 2.4 मिलियन तक पहुंचे होने पर पता चलता है एथन ने यह निष्कर्ष निकालने के बाद डेटा को नष्ट कर दिया ऑन से सिंडिकेट को पैसे से वित्त पोषित करने की योजना बनाई है लैन द्वारा आयोजित बैठक स्थल पर पहुंचने पर एथन और वेंजे मिलता है जो एक बम से बंधा हुआ है और फर्स्ट के साथ लैन के प्रॉक्सी के रूप में काम करने के लिए हेडसेट और कॉन्टैक्ट लेंस कैमरा पहने हुए हैं एथन लैन को बताता है कि उसने डेटा याद कर लिया और बेंजी की सुरक्षा के लिए खुद को पेश करता है लैन द्वारा बम को दूर से निष्क्रिय करने के बाद बेंजी भाग जाता है जबकि एथन और फर्स्ट का टावर ऑफ लंदन के माध्यम से विंटर के लोगों द्वारा पीछा किया जाता है फास्ट विंटर को मार देता है जबकि लैन को एथन का पीछा करता है और एक बुलेट प्रूफ ग्लास सेल में फुसलाया जाता और बेहोश कर दिया जाता है आईएमएफ की सफलता के प्रत्यक्ष के रूप में दावा मिशन इम्पॉसिबल रोक निशन मूवी के फैक्टर रिव्यूज मिशन इम्पॉसिबल रोक निशन दो की अमेरिकी एक्शन जासूसी फिल्म है जो मेक और डी की कहानी पर क्रिस्टोफोर मैक्वेरी द्वारा लिखित तो और निर्देशित है यह मिशन इम्पॉसिबल घोष प्रोटोकॉल की अगली कड़ी और मिशन इम्पॉसिबल फिल्म श्रृंखला की पांचवी <coughs> किस्त है इसमें टॉम क्रूज, जेरेमी रेनर साइमन पेग विम रिम्स रेबिका फॉर्गन्स सीन हैरिस और एलिकवाल से मुख्य भूमिका में हैं यह इम्पॉसिबल मिशन फोर्स एजेंट एथन हेड क्रूज और उनकी टीम का अनुसरण करता है जिसमें उन्हें विक्टर और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा हंट का पीछा करने के बाद दुनिया भर के दुष्ट सरकारी एजेंटों के एक <coughs> ब्लैक ऑप्स आतंकवादी समूह सिंडिकेट के गुप्त रूप से लड़ना होगा चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक निर्देशक्रिस्टोफोर मैक्वेरी इस फिल्म की पटकथा की है क्रिस्टोफोर मैक्वेरी ने एक फिल्म कहानी क्रिस्टोफर मेक्वेडी ड्रू पियर्स पर आधारित है इस फिल्म के उत्पादक टॉम क्रूज इज इब्राहिम एलिशंस ड्रोन ग्रीसेस पर उत्पादित है इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है <laughs> टॉम क्रूज ने जेरेमी रेनर ने साइमन पैग ने विंग रिम्स ने रेबिका फर्क्यूसन ने सोम हैरिस ने इलेक वॉलविन ने इस फिल्म का छायाकान क्या है रॉबर्ट एलवी सिट ये यह फिल्म संपादित है एडी हिमटन द्वारा इस फिल्म को संगीत दिया है जी क्रोमेर द्वारा इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं स्काईडोज प्रोडक्शंस टी प्रोडक्शंस, खराब रोबोट प्रोडक्शंस यह फिल्म श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा वितरित है इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख तेईस जुलाई दो रही है और इकतीस जुलाई संयुक्त नजर अमेरिका में रही है इस फिल्म का कार्यकारी समय एक मिनट रहा है यह सही तरह से अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है इस फिल्म का बजट 150 मिलियन है और बॉक्स ऑफिस पर छह मिलियन रहा है मैक जिन्होंने मिशन इम्पॉसिबल घोष प्रोटोकॉल के लिए बिना श्रेय के अनुलेखन किया है जो अगस्त 2013 तो में मिशन इम्पॉसिबल दुष्ट राष्ट्र के निदेशक के रूप में घोषित किया गया था की वापसी की पुष्टि जुलाई सन 2014 तक की गई थी जबकि पटकथा भी थी थीयर विल स्टेपल्स द्वारा विकसित अंततः इसका श्रेय पूरी तरह से मैकवेरी को दिया गया है फोर्ग्यूशन हैरिस और वोल्डविन ने अक्टूबर में कलाकारों को चुना मुख्य फोटोग्राफी अगस्त 2014 से मार्च 2015 तक विशाला सामलांका लंदन और हार्ट शहर की लुइस सीडन स्टूडियो सहित स्थानों पर थी फिल्म का आधिकारिक शीर्ष मार्च हजार के सामने आया था मूल रूप से 25 दिसंबर 2015 को दुनिया भर में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था इसका प्रीमर तेईस जुलाई 2015 को रियन एस्टेट ओपेरो नामांकन स्थानों में से एक में हुआ था <coughs> और एक हफ्ते बाद पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा अमेरिका में नाटे के रूप से रिलीज किया गया था इसमें एक्शन दृश्यों प्रदर्शन विशेष रूप से क्रूस और में पटकथा लेखन और निर्देशन के लिए प्रशंसा के साथ इसे सकारात्मक समीक्षा मिली इसमें दुनिया भर में छह सौ तिरासी की कमाई की जो 2015 की आठवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और उस समय फ्रांचाइजी की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई जब सीक्वल मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट सोलह दो में रिलीज किया गया था चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में आई एम एफ एजेंट एंड हिट सिंडिकेट ले जाए जा रहे थे तंत्रिका गैस के एक सिपेट को रोकता है जो विभिन्न खुफिया के दुष्ट क्षेत्र के गुर्गों का एक गुप्त संघ है जिसे वह ट्रैक कर रहा है बाद में लंदन के आईएमएफ की स्टेशन पर एथन का वियोनस सिंडिकेट से ही आया जिससे संकेत मिलता है कि इसने उसके और आईएमएफ के साथ संज्ञुता किया है। गैस से बेहोश होने के दौरान उसे चश्मा पहने एक सुनहरे आदमी को स्टेशन संचालक को अंजाम देते हुए देखने के लिए मजबूर किया जाता है। डीसी में सीआईए के निदेशक ऐलन हुल्ल ने रूस में हाल ही में विनाशकारी घटनाओं के कारण आईएमएफ आई को में शामिल करने की उसे हटाने के लिए सीनेट समिति को आ, मनाया है सिंडिकेट के अस्तित्व के बारे में उनके कुछ संदेह के कारण पूर्व आईएमएफ एजेंट बेंजी डन और विलियम ब्रॉड के 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 लिए कड़ी जांच सुरक्षा तहत काम करना शुरू कर के के भाग निकलता है छह महीने बाद हंड जो एक वांछित भगोड़ा है गुप्त रूप से बेजी को सिंडिकेट के बारे में जानकारी देता है और विस्ना स्टेट ऑपेर द्वारा निर्देशित तो टोटोन के लिए उसके टिकटॉक की व्यवस्था करता है बेंजी की पहुंचने पर ऐतन ने उनसे एक सुनहरे आदमी का पता लगाने में मदद करने के लिए कहा जिसने लंदन के आईएमएफ स्टेशन संचालक की हत्या की गई थी ओपेरो में उसका नाम उस महिला से होता है जो बाद में की। चांसलर की हत्या करने के लिए एक अंडरकवर एम आई सिक्स एल्जाफोर्स को रूप में सामने आई एथन हमले को रोकता है और फोस्ट के साथ भाग जाता है केवल मारे जाने का गवाह बनता है सिंडिकेट एजेंट द्वारा पीछे किए जाने पर एथन को बेंजी की एक कार की रक्षा के लिए फास्ट छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है चांसलर की हत्या के निकट होने के कारण हल्ले ने विशेष गतिविधि विभाग को एथन और बेंजी को देखते ही पकड़ने यदि हो तो निष्पाषित करने का आदेश दिया है इसी के तहत वह जब भी दिखाई देगा तो उसको पूर्ण रूप से बंदी बना लिया जाएगा ब्रांड के पूर्व आई एम एफ सिट को सी आई एन और बीच <coughs> एथन और बेनजी के सामला के फास्ट को ढूंढते जहां वह एथन के सन्दिग्ध की पहचान दुष्ट एम आई सिक्स एसन सिलोम के रूप में करती है जो अब सिंडिकेट का नेता है फिर तीनों लेन में चुनाए गए एक डिजिटल बही खाते को पुनः प्राप्त करने के लिए एक बिजली संयंत्र के नीचे एक पानी के नीचे की तिजोरी में घुसमेट करते हैं जिससे कथित तौर पर सभी सिंडिकेट संचालकों के नाम शामिल है हालांकि फास्ट डेटा लेकर लंदन भाग जाता है और अपने हैंडलर एम आई ए सिक्स प्रमो के इटली से मिलता है जो चुपचाप डेटा हटा देता है और उसे अपना गुप्त काम जारी रखने के लिए मजबूर करता है बाद में बेनजीओ रेतन स्टिकेल और ब्रांड द्वारा पाए जाते हैं यह पता चलता है कि बेंजी ने फास्ट को देने से पहले वही खाते में डेटा की प्रतिलिपि बनाई थी स्टिकेल को पता चलता है कि डेटा एक एनक्रिप्टेड ब्रिटिश सरकार का वर्चुअल बॉक्सेस है जिसे अनुकोन करने के लिए यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री की बायोमेट्रिक्स की आवश्यकता होती है वे सभी लंदन की यात्रा करते हैं लेकिन किंग क्रॉस रेलवे स्टेशंस पर फास्ट के साथ टीम की बैठक के दौरान टीम के लोगों को बेंजी का अपहरण कर लिया है और एथन को डेटा को डिक्रिप्ट करने में उसे वितरित करने के लिए ब्लैकमेल करने के लिए उसका इस्तेमाल किया है ब्रांड के विरोध की बावजूद एथन मिशन स्वीकार करता है ब्रांड गुप्त रूप से हमले को अपना स्थान बताता है एक्सफोर में हुली ब्रांड को इटली प्रधानमंत्री की मिलती है जो पुष्टि करते हैं कि सिंडिकेट को कुफिया इजेंटो की भर्ती करने और निरीक्षण के बिना मिशन करने के लिए इटली द्वारा प्रस्तावित एक गुप्त परियोजना थी जिसे मंत्री ने अस्वीकार किया है इटली एक मुखोटे में खुद को एथन के रूप में प्रकट करता और वह और ब्रांड मंत्री के बायोमेट्रिक को सुरक्षित करते हैं जिसमें स्टेकेल को लोड ड्रिकिप्ट करने की अनुमति मिलती है जब इस असली इटली आती है तो एथन और ब्रांड उसे यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करते हैं कि लेम द्वारा अपना उसके करने से पहले उसके प्रधानमंत्री की जानकारी के बिना गुप्त रूप से सिंडिकेट शुरू किया था जिसने एक इटली की फास्ट को फंसाने की कोशिश की है फाइनल में कई खातों में 2.4 मिलियन तक पहुंचे होने पर पता चलता है एथन ने यह निष्कर्ष निकालने के बाद डेटा को नष्ट कर दिया होलैंड से सिंडिकेट को पैसे से वित्त पोषित करने की योजना बनाई है लैन द्वारा आयोजित बैठक स्थल पर पहुंचने पर एथन और वेन्जे मिलता है जो एक बम से बंधा हुआ है और फर्स्ट के साथ लैन के प्रॉक्सी के रूप में काम करने के लिए हेडसेट और कॉन्टेक्ट लेंस कैमरा पहने हुए हैं एथन लैन को बताता है कि उसने डेटा याद कर लिया और बेंजी की सुरक्षा के लिए खुद को पेश करता है लैन द्वारा बम को दूर से निष्क्रिय करने के बाद बेंजी भाग जाता है जबकि एथन और फर्स्ट का टावर ऑफ लंदन के माध्यम से विंटर के लोगों द्वारा पीछा किया जाता है फास्ट विंटर को मार देता है जबकि लैन को का पीछा करता है और एक बुलेट प्रूफ ग्लास सेल में फुसलाया जाता और बेहोश कर दिया जाता है आईएमएफ की सफलता के प्रत्यक्ष के रूप में दवा मिशन इम्पॉसिबल रोक मूवी के फैक्टर रिव्यूज मिशन इम्पॉसिबल रोक 2015 की अमेरिकी एक्शन जासूसी फिल्म है जो मेक और डी की कहानी पर क्रिस्टोफोर मैक्री द्वारा लिखित तो और निर्देशित है यह मिशन इम्पॉसिबल घोष प्रोटोकॉल की अगली कड़ी और मिशन इम्पॉसिबल फिल्म श्रृंखला की पांचवी <coughs> किस्त है इसमें टॉम क्रूज, जेरेमी रेनर साइमन पेग विम रिम्स रेबिका फॉर्ग सीन हैरिस और एलिक वॉल से मुख्य भूमिका में हैं यह इम्पॉसिबल मिशन फोर्स एजेंट क्रूज और उनकी टीम का अनुसरण करता है जिसमें उन्हें विक्टर सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा हंट का पीछा करने के बाद दुनिया भर के 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 दुष्ट सरकारी एजेंटों के एक <coughs> अंतरराष्ट्रीय ब्लैक ऑप्स आतंकवादी समूह द सिंडिकेट के गुप्त रूप से लड़ना होगा चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक के क्रिस्टोफोर मैक्वेरी इस फिल्म की पटकथा की है क्रिस्टोफोर मैक्वेरी ने एक फिल्म की कहानी क्रिस्टोफर मेकवेडी ड्रू पियर्स पर आधारित है इस फिल्म की उत्पादक टॉम क्रूज इज इब्राहिम एलिशंस ड्रोन पर उत्पादित है इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है <coughs> टॉम क्रूज ने जेरेमी रेनर ने साइमन पैग ने विंग रीम्स ने रेबिका फर्ग्यूशन ने सोम हैरिस ने इलेक वॉलविन ने इस फिल्म का छायाकान क्या है रॉबर्ट एलवी सिटनी ये फिल्म संपादित है एडी हिमटन द्वारा इस फिल्म को संगीत दिया है जी क्रोमिर द्वारा इस फिल्म के उत्पादन कंपनियां हैं स्काईडोज प्रोडक्शंस टी प्रोडक्शंस, खराब रोबोट प्रोडक्शंस यह फिल्म श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा वितरित है इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख तेईस जुलाई दो रही है और इकतीस जुलाई संयुक्त रहने से, से अमेरिका में रही है इस फिल्म का कार्यकारी समय एक सौ इकतीस मिनट रहा है यह सही तरह से अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है इस फिल्म का बजट 150 मिलियन है और बॉक्स ऑफिस पर छह सौ अठासी मै क्वेरी जिन्होंने मिशन इम्पॉसिबल घोष प्रोटोकॉल के लिए बिना श्रेय के अनुलेखन किया है जो अगस्त दो तो में मिशन इम्पॉसिबल दुष्ट राष्ट्र के निदेशक के रूप में घोषित किया गया था क्रूज रीनर पेगो रेम्स की वापसी की पुष्टि जुलाई सन 2014 तक की गई थी जबकि पटकथा भी थी पियर सोविल स्टेपल्स द्वारा विकसित अंततः इसका श्रेय पूरी तरह से मैकवेरी को दिया गया है फोर्गूशन हैरिस और वोल्डविन ने अक्टूबर में कलाकारों को चुना मुख्य फोटोग्राफी अगस्त 2014 से मार्च 2015 तक विशाला सामलांका लंदन और हार्ट फोर्ड शायर की लुस सीडन स्टूडियो सहित स्थानों पर थी फिल्म का आधिकारिक शीर्ष मार्च हजार के सामने आया था मूल रूप से 25 दिसंबर 2015 को दुनिया भर में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था इसका प्रीमर 23 जुलाई 2015 हजार पंद्रह को वियएन स्टेट ओपेरो नामांकन स्थानों में से एक में हुआ था और एक हफ्ते बाद पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा अमेरिका में नाटक के रूप से रिलीज किया गया था इसमें एक्शन दृश्यों प्रदर्शन विशेष रूप से क्रूस और फॉर में पटकथा लेखन और निर्देशन के लिए प्रशंसा के साथ इसे सकारात्मक समीक्षा मिली इसमें दुनिया भर में छ सौ तिरासी की कमाई की जो 2015 की आठवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और उस समय फ्रांचाइजी की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई जब सीक्वल मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट सोलह दो में रिलीज किया गया था चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में आईएमएफ एम एंथन हेट सिंडिकेट ले जाए जा रहे थे तंत्रिका गैस के एक सिपेट को रोकता है जो विभिन्न खुफिया एजेंसियों के दुष्ट क्षेत्र के गुर्गों का एक गुप्त संघ है जिसे वह ट्रैक कर रहा है बाद में लंदन के आईएमएफ की स्टेशन पर एथन का वेनस इंडिकेट से ही आया जिससे संकेत मिलता है कि इसने उसके और आईएमएफ के साथ समझौता किया है गैस से बेहोश होने के दौरान उसे चश्मा पहनने एक सुनहरे आदमी को स्टेशन संचालक को अंजाम देते हुए देखने के लिए मजबूर किया जाता है डीसी में सीआईए के निदेशक एलन हुल ने ने रूस में हाल ही में विनाशकारी घटनाओं के कारण आईएमएफ को एफ को सीआईए में शामिल उसे हटाने के लिए सीनियर समिति को आ, मनाया है सिंडिकेट के अस्तित्व के बारे में उनके को संदेह के कारण पूर्व आईएमएफ एजेंट बेंजी डन और

उसके टिकटॉक की व्यवस्था करता है बेंजी की विहसना पहुंचने पर ऐतन ने उनसे एक सुनहरे आदमी का पता लगाने में मदद करने के लिए कहा जिसने लंदन के आईएमएफ स्टेशन संचालक की हत्या की गई थी ओपेरो में उसका नाम उस महिला से होता है जो बाद में ऑस्ट्रेलिया की चांसलर की हत्या करने के लिए एक अंडरकवर एम आई एजेंट एल्सा फोर्स को कई सिंडिकेट एजेंटों के रूप में सामने आई एथन हमले को रोकता है और फोस्ट के साथ भाग जाता है केवल चांसलर को एक कार बम द्वारा मारे जाने का गवाह बनता है सिंडिकेट एजेंट द्वारा पीछे किए जाने पर एथन को बेंजी की एक कार की रक्षा के लिए फास्ट छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है चांसलर की हत्या के निकट होने के कारण होने ने विशेष गतिविधि विभाग को एथन और बेंजी को देखते ही पकड़ने यदि आवश्यक हो तो निष्पाषित करने का आदेश दिया है इसी के तहत वह जब भी दिखाई देगा तो उसको पूर्ण रूप से बंदी बना लिया जाएगा ब्रांड के पूर्व आई एम एफ सिंडिकेट को सी आई ए से पहले और से दोनों को पता की मदद के, के सामला में फास्ट को ढूंढते जहां वह एथन के संग की पहचान दुष्ट एम आई सिक्स के रूप में करती है जो अब सिंडिकेट का नेता है फिर तीनों लेन में चुनाए गए एक डिजिटल बही खाते को पुनः प्राप्त करने के लिए एक बिजली संयंत्र के नीचे एक पानी के नीचे की तिजोरी में घुसमेट करते हैं जिससे कथित तौर पर सभी सिंडिकेशन संचालकों के नाम शामिल हैं। हालांकि फास्ट डेटा लेकर लंदन भाग जाता है और अपने हैंडलर एम आई ए सिक्स इटली से मिलता है जो चुपचाप डेटा हटा देता है और उसे अपना गुप्त काम जारी रखने के लिए मजबूर करता है बाद में बेनजीओ रेतन स्टिकेल और ब्रांड द्वारा पाए जाते हैं यह पता चलता है कि बेंजी ने फास्ट को देने से पहले वही खाते में डेटा की प्रतिलिपि बनाई थी स्टिकेल को पता चलता है कि डेटा एक एनक्रिप्टेड ब्रिटिश सरकार का वर्चुअल रेड बॉक्सेस है जिसे अनुकोन करने के लिए यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री की बायोमेट्रिक्स की आवश्यकता होती है वे सभी लंदन की यात्रा करते हैं लेकिन किंग क्रॉस रेलवे स्टेशन्स पर फास्ट के साथ टीम की बैठक के दौरान टीम के लोगों को बेंजी का अपहरण कर लिया है और एथन को डेटा को डिक्रिप्ट करने में उसे वितरित करने के लिए ब्लैकमेल करने के लिए उसका इस्तेमाल किया है ब्रांड के विरोध के मासूद एथन मिशन स्वीकार करता है ब्रांड गुप्त रूप से हुल्ले को अपना स्थान बताता है एक्सफोर्ड में हुल्ले ब्रांड को इटली प्रधानमंत्री की मिलती है जो पुष्टि करते हैं कि सिंडिकेट फूड खुफिया एजेंटों तो की भर्ती करने और निरीक्षण के बिना मिशन करने के लिए इटली द्वारा प्रस्तावित एक गुप्त परियोजना थी जिसे मंत्री ने अस्वीकार किया है इटली एक मुखोटे में खुद को एथन के रूप में प्रकट करता और वह और ब्रांड मंत्री के बायोमेट्रिक को सुरक्षित करते हैं जिसमें स्टेकेल को फाइनलोड ड्रिकिप्ट करने की अनुमति मिलती है जब इस असली इटली आती है तो एथन और ब्रांड उसे यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करते हैं कि लेम द्वारा अपना नुस्खे करने से पहले उसके प्रधानमंत्री की जानकारी के बिना गुप्त रूप से सिंडिकेट शुरू किया था जिसने एक इटली की फास्ट को फंसाने की कोशिश की है फाइनल में कई हाथों में 2.4 मिलियन तक पहुंचे होने पर पता चलता है एथन ने यह निष्कर्ष निकालने के बाद डेटा को नष्ट कर दिया हॉलैंड से सिंडिकेट को पैसे से वित्त पोषित करने की योजना बनाई है लैंन द्वारा आयोजित बैठक स्थल पर पहुंचने पर एथन और वेंजन मिलता है जो एक बम से बंधा हुआ है और फर्स्ट के साथ लैन के प्रॉक्सी के रूप में काम करने के लिए हेडसेट और कॉन्टैक्ट लेंस कैमरा पहने हुए हैं एथन लैन को बताता है कि उसने डेटा याद कर लिया और बेंजी की सुरक्षा के लिए खुद को पेश करता है लैन द्वारा बम को दूर से निष्क्रिय करने के बाद बेंजी भाग जाता है जबकि एथन और फर्स्ट का टावर ऑफ लंदन के माध्यम से विंटर के लोगों द्वारा पीछा किया जाता है फास्ट विंटर को मार देता है जबकि लैन को का पीछा करता है और एक बुलेट प्रूफ ग्लास सेल में फुसलाया जाता और बेहोश कर दिया जाता है आईएमएफ की सफलता के प्रत्यक्ष के रूप में दावा मिशन इम्पॉसिबल रोक निश्चन मूवी के फैक्टर रिव्यूज मिशन इम्पॉसिबल रोक निशन दो की अमेरिकी एक्शन जासूसी फिल्म है जो मेक और डी की कहानी पर क्रिस्टोफोर मैक्री द्वारा लिखित तो और निर्देशित है यह मिशन इम्पॉसिबल घोष्ट प्रोटोकॉल की अगली कड़ी और मिशन इम्पॉसिबल फिल्म श्रृंखला की पांचवी <coughs> किस्त है। इसमें टॉम क्रूज, जेरेमी रेनर साइमन पेग विम रिम्स रेबिका फॉर्गन्स सीन हैरिस और एलिक वॉल से मुख्य भूमिका में हैं यह इम्पॉसिबल मिशन फोर्स एजेंट क्रूज और उनकी टीम का अनुसरण करता है जिसमें उन्हें विक्टर सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा हंट का पीछा करने के बाद दुनिया भर के 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 दुष्ट सरकारी एजेंटों के एक <coughs> अंतरराष्ट्रीय ब्लैक ऑप्स आतंकवादी समूह सिंडिकेट के गुप्त रूप से लड़ना होगा चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में इस फिल्म के निर्देशक निर्देशक्रिस्टोफोर मैक्वेरी इस फिल्म की पटकथा की है क्रिस्टोफोर मैक्वेरी ने एक फिल्म की कहानी क्रिस्टोफर मेक्वीडी ड्रू पियर्स पर आधारित है इस फिल्म की उत्पादक टॉम क्रूज इज इब्राहिम एलिशन डाना गोल्डबर्ग्स, ड्रोन पर उत्पादित है इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है <laughs> टॉम क्रूज ने जेरेमी रेनर ने साइमन एगनी विंग रिम्स ने रेबिका फर्ग्यूसन ने सोम हैरिस ने इलेक वॉलविन ने इस फिल्म का छायाकान क्या है रॉबर्ट एलवी सिटनी ये फिल्म संपादित है एडी हिमटन द्वारा इस फिल्म को संगीत दिया है जी क्रोमिर द्वारा इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं स्काईडोज प्रोडक्शंस, टी प्रोडक्शंस खराब रोबोट प्रोडक्शंस यह फिल्म श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा वितरित है इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख तेईस जुलाई 2015 रही है और 31 जुलाई संयुक्त नज अमेरिका में रही है इस फिल्म का कार्यकारी समय एक सौ इकतीस मिनट रहा है यह सही तरह से अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है इस फिल्म का बजट एक सौ पचास मिलियन है और बॉक्स ऑफिस पर छह सौ अठासी पॉइंट नौ मिलियन रहा है मैक जिन्होंने मिशन इम्पॉसिबल घोष प्रोटोकॉल के लिए बिना श्रेय के अनुलखन किया है जो अगस्त दो तो में मिशन इम्पॉसिबल दुष्ट राष्ट्र के निर्देशक के रूप में घोषित किया गया था क्रू श्रीनर पेगो रेम्स की वापसी की पुष्टि जुलाई सन 2014 तक की गई थी जबकि पटकथा भी थी पेरसोर विल स्टेपल्स द्वारा विकसित अंततः इसका श्रेय पूरी तरह से मैक्वेरी को दिया गया है फोर्यूशन हैरिस और वोलडिन ने अक्टूबर में कलाकारों को चुना मुख्य फोटोग्राफी अगस्त 2014 से मार्च तो 2015 तक विशशाला की सामलांका लंदन और हार्ट शहर की लुवि सीडन स्टूडियो सहित स्थानों पर थी फिल्म का आधिकारिक शीर्ष मार्च हजार के सामने आया था मूल रूप से 25 दिसंबर 2015 को दुनिया भर में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था इसका प्रीमर तेईस जुलाई 2015 को वियन एस्टेट ऑपेरो नामांकन स्थानों में से एक में हुआ था और एक हफ्ते बाद पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा अमेरिका में नाटक के रूप से रिलीज किया गया था इसमें एक्शन दृश्यों प्रदर्शन विशेष रूप से क्रूस और में पटकथा लेखन और निर्देशन के लिए प्रशंसा के साथ इसे सकारात्मक समीक्षा मिली इसमें दुनिया भर में छ मिलियंस की कमाई की जो 2015 की आठवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और उस समय फ्रांचाइजी की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई जब सीक्वल मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट सोला 2018 में रिलीज किया गया था चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में आईएमएफ एजेंट एंथन हेट सिंडिकेट ले जाए जा रहे थे। तंत्रिका गैस के एक सिपेट को रोकता है जो विविंगकूफ एजेंट्सियो के दुष्ट क्षेत्र के गुर्गों का एक गुप्त संघ है जिसे वह ट्रैक कर रहा है बाद में लंदन के आईएमएफ की स्टेशन पर एथन का वेवनस इंडिकेट से ही आया जिससे संकेत मिलता है कि इसने उसके और आईएमएफ के साथ समझौता किया है गैस से बेहोश होने के दौरान उसे चश्मा पहने एक सुनहरे आदमी को स्टेशन संचालक को अंजाम देते हुए देखने के लिए मजबूर किया जाता है डीसी में सीआईए के निदेशक एलन हुल ने ने रूस में हाल ही में विनाशकारी घटनाओं के कारण आईएमएफ को एफ को सीआईए में शामिल उसे हटाने के लिए सीनियर समिति को आ, मनाया है सिंडिकेट के अस्तित्व के बारे में उनके को संदेह के कारण पूर्व आईएमएफ एजेंट बेंजी डन और